हिस्ट्री चाहे जम्मू कश्मीर की हो या हिस्ट्री हिंदुस्तान की हो, पूरी की पूरी हिस्ट्री या इतिहास जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री भी जो है वो हम एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में, इसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी। तो जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास को, जम्मू व कश्मीर के इतिहास को भी हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीन सीरीज में, तीन कैटेगरीज में जो है वो पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। अगर बात करें अर्ली हिस्ट्री की, दोस्तों अगर हमने यूपीएससी या किसी और एग्जाम के लिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री टॉक्स अबाउट द पास्ट, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, एंड हाउ वी कम टू नो, हमें पता कैसे चलता है उस पास्ट के बारे में, उस पास्ट की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती कैसे है। तो देयर नीड टू बी सर्टन बुक्स और सर्टन लिटरेचर, कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो लिखी जाती है। हमने देखा है कि जो हमारा अशोकन पीरियड था उसमें एडिक्ट्स हुआ करते थे जिनके ऊपर लिखी जाती थी, पिल्लर्स के ऊपर लिखी जाती थी, पत्थरों के ऊपर लिखी जाती थी, या किताबें या लिटरेचर के रूप में इतिहास जो है वो लिख करके रखा जाता था ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाले जो युग है, आने वाली जो सेंचुरीज है वो उन चीजों को समझ सके। कुछ ऐसा ही हमें कश्मीर की हिस्ट्री में भी देखने को मिला, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए कुछ हिस्ट्री से लिटरेचर की हमें जरूरत थी। तो भैया सबसे पहले जब इतिहास की बात आती है वो कहाँ से शुरू होती है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमको महाभारत काल के दौरान देखने को मिलता है। तो जो महाभारत लिखी गई थी उसके अंदर कश्मीर का जिक्र जो है वो सबसे पहले किया गया था। और कश्मीर के अंदर क्या या किन राज्यों का या किन चीजों का जिक्र जो है वो महाभारत के अंदर किया गया था, उसके अंदर बात होती थी कंबोजा, कंबोज डायनेस्टी, कंबोज डायनेस्टी की बात जो है वो महाभारत के अंदर कही गई है कि कश्मीर का जो इलाका था यहां पर कंबोज डायनेस्टी जो है वो राज किया करती थी, और राजपुरा उनकी कैपिटल का या उनकी राजधानी का नाम था। आप जानते हैं जहां से भी किसी भी कंट्री की या किसी भी रियासत का पूरा पॉलिटिकल सेटअप कंट्रोल होता है वो उस रीजन की कैपिटल कहलाती है। तो कंबोज डायनेस्टी जो थी वो कश्मीर पर राज किया करती थी और राजपुरा जो है वो उनकी कैपिटल हुआ करती थी। दोस्तों ध्यान रखिए, राजपुरा जिसे आज राजौरी के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी जिले के बारे में आपने सुना होगा, तो राजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है। राजपुरा जिसे प्राचीन काल में कहा जाता था, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में जिसे राजपुरा कहा जाता था, आज वो राजौरी टाउन के नाम से जाना जाता है। और ये राजौरी का क्या रेलिवेंस है, दिस राजौरी हैज बीन द कैपिटल ऑफ कंबोजा डायनेस्टी विच फाइंड्स इट्स मेंशन इन द एपिक ऑफ महाभारता, यानी कि महाभारत के अंदर कंबोज डायनेस्टी की बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में कंबोज डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी और उनकी जो कैपिटल थी उसे राजौरी के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ साथ महाभारत काल में हमें बताया जाता है कि कंबोजा डायनेस्टी के बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो था ये पंचाल डायनेस्टी या पंचाला डायनेस्टी के अधीन चला गया। तो पहले कंबोज डायनेस्टी का राज था यहां पर, फिर ये जो रूल है वो चेंज हो गया, पंचाल डायनेस्टी या पंचाला डायनेस्टी जो है वहां पर चला गया। इसी पंचाला डायनेस्टी, जहां पर इस पंचाला डायनेस्टी का रूल था, वहां पर पीर पंजाल, आपने नाम सुना होगा भैया, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर में, हिल्स ऑफ पीर पंजाल या पीर पंजाल माउंटेन्स। तो पंचाल डायनेस्टी, पंचाल संस्कृत शब्द था, इसका एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म, इसका जो नाम है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके, थोड़ा बदल करके पीर पंजाल कर दिया गया। तो ये पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दैट कैन बी ट्रेस टू द टाइम ऑफ महाभारत, क्योंकि महाभारत के अंदर पंचाल डायनेस्टी का जिक्र है और पंचाल डायनेस्टी के दौर में जहां पर पंचाल डायनेस्टी मौजूद थी वहां पर जो पहाड़ थे उनका नाम पीर पंजाल जो है वो रखा गया था। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पीर पंजाल माउंटेन्स, द नेम ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स इज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी। तो हमें याद रखना है कि पीर पंजाल जो है वो पंचाल डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, पंचाल डायनेस्टी के दौर में पीर पंजाल माउंटेन्स का नाम जो है वो रखा गया था। आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा था आपके साथ में कुछ लिटरेचर की, कुछ किताबों की। तो भैया कुछ किताबों की जरूरत है, कुछ लिटरेचर की जरूरत तो बिल्कुल है, जिससे हमें पता चल सकता था कि
किसी भी इलाके का इतिहास कैसा था पास्ट में। आज अगर हमको चीजें पता चलती हैं हमारे पास्ट की, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो रिकॉर्डेड है। अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें जो है वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में रिकॉर्डेड है। अदरवाइज चीजें जो थी देवर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, किताबें लिखी जाती थी, स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, पत्थरों पर लिखा जाता था। तो इन सब तरीकों से लिख करके इतिहास को संजो के रखने की कोशिश जो है वो की जाती थी। जब बात आई कश्मीर की, तो भैया कश्मीर का इतिहास भी जो है वो इसी तरीके से एक किताब के रूप में एक इतिहासकार ने लिखा था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द नेम इज कल्हाना। कल्हाना कौन थे, क्या इनका रेलेवेंस है जम्मू कश्मीर के साथ में? कल्हाना इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के सबसे पहले इतिहासकार के रूप में कल्हाना को जो है वो जाना जाता था। 12वीं शताब्दी में, 12th century AD में इन्होंने किताब लिखी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राज तरंगिनी। सो कल्हाना वॉज द हिस्टोरियन, ही इज कंसिडर्ड, एक्चुअली ही वॉज अ पोइट, वो एक कवि थे, लेकिन उनको कश्मीर के सबसे पहले इतिहासकार के रूप में जाना गया। क्यों जाना गया कश्मीर के सबसे पहले इतिहासकार के रूप में? क्योंकि उन्होंने एक किताब राज तरंगिनी लिखी थी। कब लिखी थी? 1148 से लेकर के 1150 AD में, तो 1148 से लेकर 1150 AD में इन्होंने राज तरंगिनी जो है वो लिखी थी। कल्हाना और राज तरंगिनी का क्या रेलेवेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। जो राज तरंगिनी है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट अर्लीस्ट सोर्स ऑन कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जानकारी की या कश्मीर की इन पर्टिकुलर जानकारी की जब बात आती है, तो राज तरंगिनी जो है वो सबसे पुराना सोर्स माना जाता है इस इतिहास का, इस जम्मू कश्मीर के इतिहास का। इट इज कंसीडर्ड टू बी द अर्लीस्ट सोर्स एंड कैन बी लेबल्ड एज द मोस्ट रिलायबल हिस्टोरिक टेक्स्ट, यानी कि इसको सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक पाठ के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो दैट्स व्हाई कल्हाना एंड राज तरंगिनी आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल्हाना इज बिलीव टू बी द अर्लीस्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर एंड ही रोट अ बुक विच वी नोन एज राज तरंगिनी, एंड दिस राज तरंगिनी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल हिस्टोरिक टेक्स्ट विद रेफरेंस टू कश्मीर। इस राज तरंगिनी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बुक है जिनके ऊपर जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो बेस्ड है। इस किताब का नाम है नील मत पुराण, ये नाम, एंड दिस नील मत पुराण वाज आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम ऑफ 2018 के जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के अंदर ये सवाल जो है वो पूछा गया था नील मत पुराण के बारे में। व्हाट इज दिस नील मत पुराण? इट इज नोन एज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर का सबसे पुराना ज्ञात पाठ जो है उसका नाम नील मत पुराण है। इस नील मत पुराण को किसी कश्मीरी ब्राह्मण ने लिखा था, कब? 6th to 7th century AD। अभी तक हम बात कर रहे थे राज तरंगिनी की। राज तरंगिनी वॉज रोट समवेयर इन 1148 to 1150 AD, बट हमारे पास एक ऐसा टेक्स्ट भी मौजूद था जिसका लेखक जो है वो हमें ज्ञात नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि कश्मीरी कुछ ब्राह्मिन्स ने ये राज तरंगिनी जो है वो लिखी थी 6th से 7th century में। तो काफी पुरानी हिस्टोरिक बुक रही है नीलमत पुराण, और इसी नीलमत पुराण पर बेस्ड है, पर आधारित है कल्हाना की राज तरंगिनी। तो जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था प्री के अंदर वो इस प्रकार का था कि कल्हाना राज तरंगिनी वॉज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। उसमें चार ऑप्शंस थे जिसमें एक ऑप्शन था नील मत पुराण का। तो हमें याद रखना है कि जो कल्हाना की राज तरंगिनी है वो नील मत पुराण पर आधारित है, या नील मत पुराण से कुछ ऐतिहासिक चीजों को लेकर के राज तरंगिनी जो है वो लिखी गई है। तो ये बेसिक सोर्स है हिस्ट्री का। इस नील मत पुराण के अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नील मत पुराण, कश्मीर वॉज वंस अ लेक। भैया आपने शायद सुना भी होगा कि नीलमत पुराण में यह कहा गया है कि कश्मीर एक जमाने में एक झील हुआ करती थी। तो पूरा का पूरा इलाका जो था वो झील के अंदर समाया हुआ था, जिस झील को खाली किया था या ड्रेन आउट किया गया था बाय ऋषि कश्यप। तो भैया ऐसा माना जाता है कि ये पूरा का पूरा इलाका एक झील के रूप में मौजूद था, और इस झील को या इस झील के अंदर से पानी कैसे निकाला गया था, तो एक ऋषि कश्यप थे जिन्होंने वो पूरा का पूरा पानी जो है उस झील का ड्रेन आउट किया था, और जिसके बाद लोग जो थे, पीपल स्टार्टेड टू सेटल इन दी वैली।
घाटी के अंदर उस झील के खाली होने के साथ ही लोगों का बसना जो है वो शुरू हो गया। भैया बड़ी जाहिर सी बात है, झील के अंदर तो रह नहीं सकते, तो ऐसा माना जाता है, मान्यता ये है कि एक झील हुआ करती थी बड़ी, जिसको आज पूरा का पूरा जो कश्मीर का इलाका है वो एक झील के रूप में था। ऋषि कश्यप ने उस पूरी की पूरी झील के पानी को वहां से खाली किया और वहां पर सेटलमेंट या लोगों के बसने की जो शुरुआत हुई थी, और कश्यप ऋषि के नाम पर ही जो लोग थे उन्होंने इस कश्मीर का नाम रखा था कश्यप मार एंड कश्यपपुरा। पीपल देन नेम्ड दिस वैली एज कश्यप मार एंड कश्यपपुरा, जिसको कि अब धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होता गया नाम, तो कश्यप मार से कश्मीर या कश्यपपुरा से कश्मीर जो है वो कहलाने लगा। तो क्यों कश्मीर का नाम पड़ा, एक इसके पीछे थॉट ये भी है कि भैया ऋषि कश्यप ने वो पूरी की पूरी झील के पानी को निकाला था और एक सेटल्ड लाइफ लोगों ने जीना शुरू की थी, जिस वजह से लोगों ने इस पूरे के पूरे इलाके का नाम कश्यप मार या कश्यपपुरा रख दिया था। किनके पीछे, ऋषि कश्यप के पीछे। आई होप हमको यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस कश्मीर को, इस कश्मीर घाटी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। भैया जो आता गया वो अपनी मर्जी का नाम देता गया। जब ग्रीक लोग आए, जब एंशियंट ग्रीक्स जो यूनानी लोग थे, प्राचीन काल के यूनानी लोग या ग्रीस से जो लोग यहां पर आए, उन्होंने इस कश्मीर को नाम दिया कैस्पीरिया। अगेन एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो भैया कभी कैस्पीरिया अगर जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ये कैस्पीरिया क्या होता है या कैस्पीरिया का रेलिवेंस जो है वो किससे है, तो याद रखिएगा प्राचीन यूनानी लोगों ने या एंशियंट ग्रीक्स ने कश्मीर को जो है वो कैस्पीरिया के नाम से जाना था। तो एक नाम पड़ गया भैया कैस्पीरिया। उसके बाद चाइनीज पिलग्रिम हुआंगसांग, इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कश्मीर के इतिहास में। हुआंगसांग जब आए थे, हम आगे बात करेंगे ये हुआंगसांग कब आए थे, किस डायनेस्टी में आए थे। तो हुआंगसांग जब कश्मीर आए थे, कब आए थे, 631 AD में, 631 AD में हुआंगसांग जो है वो कश्मीर वैली आकर के रुके थे। इन्होंने कश्मीर वैली को विजिट किया था और उस समय इन्होंने कश्मीर वैली का नाम रखा था काशी मीलू। अगेन कैस्पीरिया जो है वो नाम किसने रखा था, कैस्पीरिया नाम जो है वो रखा गया था प्राचीन यूनानी लोगों द्वारा, और हुआंगसांग ने जो नाम रखा था कश्मीर का उसे कहा गया था काशी मीलो। तो भैया काशी मीलो नाम रखा गया हुआंगसांग द्वारा। और जो नेटिव कश्मीरी थी, जो कश्मीर के बाशिंदे थे, कश्मीर के रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस लैंड को नाम दिया कशीर। तो कशीर के नाम से वो इस कश्मीर के इलाके को जानते थे। तो हमें तीन नाम यहां से पता चलते हैं। तो भैया जी कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई ये नाम दिए होंगे कि कैस्पीरिया कश्मीर वैली का नाम है, इसके साथ साथ काशीमोली जो है वो कश्मीर वैली का नाम है, और कशीर जो है वो भी कश्मीर वैली का नाम है। तो देर आर चांसेस कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैस्पीरिया काशी मिलो एंड कश्मीर आर दी नेम्स ऑफ विच रीजन। तो उसमें चार ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक ऑप्शन कश्मीर भी होगा, तो आपको आउटराइटली कश्मीर जो है उसको टिक कर देना है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इतिहासिक चीजें हैं कश्मीर के बारे में। अब जब बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर का प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास भैया हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री में हमने देखा है राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अलग अलग राजाओं का शासन जो था वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी था। कौन कौन से थे वो रूल थे, कौन कौन से वो शासन थे या कौन कौन से वो शासक थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर प्राचीन काल में राज किया था, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। सबसे पहले आया मौर्यन एम्पायर। अगेन भैया किसने बताया, अकॉर्डिंग टू कालहाना, कालहाना ने बताया, क्या बताया वो हम देखेंगे, कहाँ बताया तो याद रखना है कालहाना ने बताया था राज तरंगिनी के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू कालहाना कश्मीर वॉज रूल्ड बाय ग्रेट मौर्यन रूलर अशोका ड्यूरिंग 304 to 232 BC, 304 से लेकर 232 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट के दौरान कश्मीर के अंदर महान शासक अशोका का रूल था। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो कश्मीर के अंदर स्थापित था, और इसी ही दौरान ड्यूरिंग हिज रेन अशोका या अशोक राजा के शासन काल के दौरान एक शहर श्रीनगरी जिसे आज पंद्रेथान, दोस्तों अगर आपको जम्मू कश्मीर या कश्मीर के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, तो आज भी जो श्रीनगर का ओल्ड सिटी माना जाता है, जो मतलब प्राचीन काल का श्रीनगर है, अभी तो इवेंचुअली जब
सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई तो सिटीज एक्सपेंड हुए, लेकिन जो अर्लीस्ट ट्रेसेस हैं कश्मीर के अंदर श्रीनगर सिटी के, उसे आज भी पंद्रह थान के नाम से जाना जाता है, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। तो जो ये जो श्रीनगर है या जिसे आज पंद्रह थान कहा जाता है, ये अशोका के काल के दौरान, अशोका के शासन काल के दौरान जो है ये सिटी जो है वो बनी थी। उन्होंने ये ओल्ड सिटी पंद्रह थान जो है इसको बसाया था, इसको स्थापित किया था। साथ ही बहुत सारे विहारा, शिव टेम्पल्स, श्राइन्स एंड स्तूपाज वर आल्सो बिल्ट। तो भैया मौर्यन एम्पायर, मौर्यन काल के दौरान, मौर्य साम्राज्य के दौरान कश्मीर के अंदर बहुत सारे विहार, बहुत सारे शिव मंदिर, बहुत सारे तीर्थ स्थल, स्तूप आदि जो है वो बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? मौर्यन एम्पायर में, मौर्य राजाओं के शासन काल में। अब आप जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो अशोका हुए हैं, और अशोका जो थे वो बुद्ध धर्म के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, या एक बुद्ध धर्म के अनुजाई थे। तो जब बुद्ध धर्म के वो फॉलोअर थे, या बुद्ध महात्मा बुद्ध के वो अनुजाई थे, तो भैया उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ज्यादा काम जो है वो किया। तो भैया अशोका ने क्या किया, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी या बुद्धा पर विश्वास था, बुद्धा की जो सिखाई हुई चीजें थी, उनका प्रचार करने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर एक बुद्धिस्ट मिशनरी, बोध भिक्षु जिसे कहा जाता है, बोध मिशनरी, बुद्धिस्ट मिशनरी या बोध भिक्षु जो है, जिनका नाम था मजहंतिका। अगेन ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो छोटे नाम यहां पर आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो मजहंतिका, मजहंतिका ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हु वाज मजहंतिका। तो तीन चार ऑप्शंस आपको दिए होंगे, एक ऑप्शन उसमें ऐसा होगा, बुद्धिस्ट मिशनरी टू कश्मीर अपॉइंटेड बाय अशोका, या फिर ऐसा भी आ सकता है, हु अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मिशनरी मजहंतिका इन कश्मीर। तो भैया हमको याद रखना है कि अशोका दी ग्रेट ने जो है वो मजहंतिका को अपॉइंट किया था। इसके साथ साथ हुआंगसांग की बात दोबारा से आती है। भैया हुआंगसांग कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर के दौरान कश्मीर के अंदर करीब 500 मॉन्क्स या 500 बुद्धिस्ट भिक्षु जो है वो आकर के बस गए थे। क्यों बसे थे भैया? बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रोपोगेशन के लिए, और बुद्धा की टीचिंग्स को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सब कब हुआ था? ये सब मौर्यन एम्पायर में हुआ था। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो कल्हाना की राज तरंगिनी के अनुसार मौर्यन एम्पायर का शासन काल जो है वो कश्मीर के अंदर था। मौर्यन एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, सबसे प्रसिद्ध शासक अशोका दी ग्रेट जो थे, वो बुद्ध भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म के अनुजाई थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मजहंतिका जो है एक बुद्धिस्ट भिक्षु या बुद्धिस्ट मिशनरी जो है उनको अपॉइंट किया था। और हुआंगसांग कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर के दौरान करीब 500 बौद्ध भिक्षु जो है वो कश्मीर के अंदर आकर के सेटल हो गए थे। तो भैया जी मौर्यन रूल के बारे में हमने बात करी। मौर्यन रूल के बाद आती है एक डायनेस्टी, और ये डायनेस्टी कौन सी है भैया? ये है कुषाण डायनेस्टी। अब ये कुषाण डायनेस्टी कौन सी है, ये कुषाण डायनेस्टी क्या है? तो भैया जब मौर्यन रूल खत्म हो गया, मौर्य शासकों के बाद कश्मीर के अंदर जिस साम्राज्य की स्थापना हुई, जिस वंश की स्थापना हुई, उसका नाम था कुषाण। तो कुषाण रूलर्स जो थे वो जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर के इलाके के अंदर स्थापित हुए थे मौर्य वंश के दौरान। दोस्तों कुषाण डायनेस्टी के दौरान ही, इनके ही शासन काल के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, विच वॉज हेल्ड बाय कुषाण किंग कनिष्का, कनिष्का द्वारा, कनिष्का जो कुषाण डायनेस्टी के, कुषाण वंश के एक राजा थे, उनके द्वारा चौथी बोध परिषद जो है वो कश्मीर के अंदर हुई थी। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धिज्म जो है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, या बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स। वो टू सेक्ट्स कौन से थे? महायान एंड हीनयान। तो महायान एंड हीनयान दो सेक्ट्स के अंदर ये बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो गया था। कब हुआ था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, और बहुत बार यूपीएससी के अंदर भी ये सवाल पूछा जा चुका है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का राजा के दौरान, कनिष्का राजा द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, और कश्मीर के अंदर जो है ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी। तो कनिष्का ने इसके साथ साथ में, उन्होंने भी बहुत सारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज, मठों की स्थापना की थी कश्मीर के अंदर। तो कनिष्का ने कश्मीर के अंदर कई मंदिरों और विहारों या मठों की स्थापना जो है वो की थी। और इसके साथ क्या हुआ दोस्तों, जब इतने ज्यादा
सबसे पहले मौर्य एम्पायर में अशोका द्वारा बुद्धिज्म का प्रचार जो है वो किया जाने लगा कश्मीर में। फिर कनिष्का जब आए उन्होंने भी बहुत सारे मठों की और मंदिरों की स्थापना की। तो इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली कश्मीर बिकेम द सीट ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। तो भैया जी जिसको भी बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानना था तो कश्मीर आकर के आप सारी की सारी जानकारी जो है वो बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो उसके बारे में ले सकते थे। ये सब कब हो रहा था, ये सब हो रहा था कुषाण डायनेस्टी के दौरान। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको कहां मिलती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है राज तरंगिनी के अंदर। कुषाण डायनेस्टी के बाद आते थी कारकोटा डायनेस्टी। दोस्तों इसी क्रोनोलॉजी में इसको याद रखना है, मौर्य डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, फिर कारकोटा डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना। ये नाम अगेन इंपॉर्टेंट है भैया, दुर्लभ वर्धना। कब, 598 टू 634 एडी। तो कारकोटा डायनेस्टी जो है वो कनिष्का रूल के बाद में आई थी और इस कारकोटा डायनेस्टी के दौरान जो इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया था चाइनीज पिलग्रिम हुआंगसांग, तीन बार हमने हुआंगसांग का अभी तक के डिस्कशन में मेंशन करा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है अगर ये एग्जाम में आ जाए। तो हमें याद रखना है कि जो हुआंगसांग थे वो कारकोटा डायनेस्टी के काल में, कारकोटा डायनेस्टी के राज्य काल में और राजा दुर्लभ वर्धना के शासन काल में कश्मीर में आए थे। तो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीलिम्स क्वेश्चन। हुआंगसांग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर और ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। तो अगर रूलर की बात होगी, राजा की बात होगी, तो भैया राजा जो है वो दुर्लभ वर्धना है और अगर डायनेस्टी की बात होती है, राजवंश की बात होती है, तो वो राजवंश होगा कारकोटा डायनेस्टी। वो करीब करीब कश्मीर के अंदर 2 साल तक रहे और यहां उन्होंने संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करी। वो 2 वर्षों तक यहां रहे और इन्होंने संस्कृत और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन जो है वो किया। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी वॉज ललिता आदित्य मुक्तापिदा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगेन कश्मीर की हिस्ट्री से संबंध रखता हुआ, ललिता आदित्य मुक्तापिदा। ही इज ऑल्सो नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। उन्हें कश्मीर के समुद्र गुप्ता के रूप में भी जाना जाता है। किन्हें, ललिता आदित्य मुक्तापिदा। ललिता आदित्य मुक्तापिदा जो थे वो कारकोटा डायनेस्टी के सबसे बड़े शासक, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो माने जाते थे। इन्होंने ही बिल्ट परिहासपुर सिटी ऑफ प्लेजर। अगेन भैया ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन। परिहासपुर सिटी ऑफ प्लेजर कहां पर है, ये नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी। जब हम जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करेंगे वहां हम मेला खीर भवानी की बात करेंगे। तो खीर भवानी जो श्राइन है उसके पास में परिहासपुर सिटी ऑफ प्लेजर जो है वो बनाई थी किसने, ललिता आदित्य मुक्तापिदा। और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया था। इनके द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों में सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया भर में प्रसिद्ध सन टेंपल मारतंड, जो कहाँ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मारतंड सन टेंपल जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, दुनिया भर में कुख्यात है। ये कब बना था, ये बना था कारकोटा डायनेस्टी के रूल में और किसने बनाया था, ये बनाया था ललिता आदित्य मुक्तापिदा ने। इनके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट रूलर थे, इंपॉर्टेंट शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे कारकोटा डायनेस्टी के, उनका नाम था जयातिदा। तो ये ललिता आदित्य के जो है वो ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे। ललिता आदित्य मुक्तापिदा के जो हैं ये ग्रैंडसन थे, कौन, जयातिदा। और इन्होंने भी अपने दादा के समान जो जानकारियां हैं, जो लर्निंग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो नई नई चीज़ें लोगों को सिखाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान जो है वो दिया था। और ये जो है ये कारकोटा डायनेस्टी के एक और महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रूलर जो है वो माने जाते हैं। तो अभी तक हमने 3 डायनेस्टीज की बात करी, हमने मौर्य एम्पायर की बात करी, हमने कुषाण डायनेस्टी की बात करी और हमने कारकोटा डायनेस्टी की बात जो है वो करी है। कारकोटा डायनेस्टी के बाद आता था दोस्तों कश्मीर के अंदर, आज भी हम देखेंगे तो कश्मीर के अंदर ये जो हमारी नीलमत पुराण है ये कहीं ना कहीं भगवान शिव जो है उनके बारे में बात करती है, उनकी महिमा का गुणगान करती है। तो कश्मीर के अंदर
शैवाइज्म जो है, शैववाद जो है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। आज भी जो कश्मीरी पंडित हैं उनके सबसे प्रमुख त्योहारों में आती है शिवरात्रि। क्यों? भगवान शिव से संबंध रखता है वो त्योहार, और भगवान शिव का जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व है कश्मीर के इतिहास में। तो कश्मीरी शैविज्म या कश्मीरी शैववाद जो है वो कश्मीर के अंदर 18 सेंचुरी में जो है वो पनपना शुरू हुआ था। ये कश्मीरी शैविज्म क्या है भैया? इट इज अ रिलीजियस ट्रेडिशन दैट बिलीव्स इन बेसिक रिचुअल प्रैक्टिसेस, पैटर्न्स ऑफ मेडिटेशन एंड आसनास। ये भैया एक ऐसी धार्मिक परंपरा है जहां पर अनुष्ठान, प्रथाएं, ध्यान लगाना और आसन आदि करने में जो है वो विश्वास रखा जाता है। द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कश्मीरी शैवाइज्म इज द यूनिटी ऑफ सोल विद लॉर्ड शिवा। तो भैया जी, ये जो कश्मीरी शैवाइज्म है इसकी मूल बात ये है कि भैया अपनी जो आत्मा है उसका मिलन भगवान शिव के साथ करवाना। यानी कि आसान भाषा में बात करें तो पूरा का पूरा जीवन जो है वो भगवान शिव के और समर्पित था। जीवन का यही गोल था कि अपनी जो आत्मा है उसका मिलन भगवान शिव के साथ होना। यानी कि बहुत ही ज्यादा डिवोशन टूवर्ड्स लॉर्ड शिवा जो है वो कश्मीरी शैवाइज्म में जो है वो देखने को मिलती है। इस कश्मीरी शैवाइज्म का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भैया द बिगिनिंग ऑफ कश्मीरी शैवाइज्म इज मार्क्ड बाय शिवा सूत्रा। शिवा सूत्रा क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 77 वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू द कश्मीरी सेज वासुगुप्ता। भैया शिव सूत्रा एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कश्मीर के एक प्रसिद्ध ऋषि वासुगुप्ता के लिए 77 श्लोक जो है वो लिखे गए थे वासुगुप्ता जो है उनके प्रति या उनके लिए 77 वर्सेस या 77 श्लोक जो है वो लिखे गए थे कहाँ? शिव सूत्रा में या शिवा सूत्रा में। और इसी शिवा सूत्रा के साथ ही कश्मीर के अंदर कश्मीरी शैवाइज्म की शुरुआत जो है वो हुई थी। तो दोस्तों, हमने बेसिक एंशियंट जो प्राचीन इतिहास है जम्मू व कश्मीर का वो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो भैया जो प्राचीन इतिहास जम्मू कश्मीर का कहाँ से शुरू होता है? कहीं ना कहीं इसका सबसे पहला जो अपीयरेंस है इसके बारे में सबसे पहले बात होती है महाभारत काल के दौरान। फिर जब कल्हाना अपनी राज तरंगिनी लिखते हैं, जो राज तरंगिनी नीलमत पुराण पर आधारित है, तो राज तरंगिनी के अंदर इसका मेंशन है और नीलमत पुराण के अंदर भी कश्मीर के इतिहास का मेंशन जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मौर्यन रूल था, मौर्यन शासन जो था वो था, कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाण वंश का शासन यहाँ पे रहा है, कारकोटा डायनेस्टी रही है, और साथ ही साथ कश्मीर के अंदर शैवाइज्म या शैववाद जो है वो बहुत ही ज्यादा कुख्यात रहा है। क्यों रहा है? कश्मीर के लोग जो है वो भगवान शिव के और समर्पित थे, और एक किताब शिवा सूत्रा जिसके अंदर 77 वर्सेस या 77 श्लोक जो है वो कश्मीरी ऋषि वासुगुप्ता के और जो है वो लिखे गए थे। ये है जम्मू कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री। इसके अंदर से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एज विल प्रोसीड विद द सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो हम ये सभी क्वेश्चंस को इस इंफॉर्मेशन में से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हमें आइडिया रहे कि इनकेस अगर एग्जाम के अंदर हमको ये सवाल आता है तो हमको उसका जवाब किस प्रकार से देना है। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू व कश्मीर का मध्यकालीन इतिहास क्या है? तो दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री की जब बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पाला डायनेस्टी की। उत्पाला डायनेस्टी जो कि 855 टू 939 AD में जिनका राज था, जिनका शासन काल था जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो उत्पाला डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इन डायनेस्टीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। एंशियंट हिस्ट्री में हमने सबसे पहले बात करी मौर्यन एम्पायर की, फिर हमने बात करी कुषाण रूलर्स की, फिर हमने बात करी कारकोटा डायनेस्टी की। तो एंशियंट हिस्ट्री में इन तीन शासकों की हमने बात करी। अब मिडिवल या मध्यकालीन का जो इतिहास है उसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी। ये उत्पाला डायनेस्टी या उत्पल डायनेस्टी जो है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस डायनेस्टी को किसने स्थापित किया था? दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अ किंग नेम्ड एज अवंती वर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य जो है वो कश्मीर के अंदर किए थे। तो अवंती वर्मन जो है उन्होंने इस डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत करी थी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। तो 1855 में अवंती वर्मन ने इस डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत करी थी, और 1883 AD तक ये जो है ये इस
अपने शासन काल में जो है वो रहे थे। 855 एडी में इन्होंने इस उत्पाला डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ये जो है ये इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं वो हम अभी बात करेंगे। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के, इस राजवंश के ये एक बहुत ही प्रमुख राजा जो है वो माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने ही रिस्टोर्ड पीस बैक इन कश्मीर फ्रॉम द अटर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर। दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर में हमने देखा था कि कारकोटा डायनेस्टी का एंड आते आते कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा अव्यवस्था और अशांति जो है वो पैदा हो चुकी थी। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जब कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप में डिसऑर्डर चल रहा था, अनरेस्ट चल रहा था, उस समय उस स्थिति से कश्मीर को बाहर ये निकाल करके लाए कौन? राजा अवंती वर्मन। उत्पाला डायनेस्टी के जो स्थापक थे, जिन्होंने उत्पाला डायनेस्टी की स्थापना करी थी, वो कश्मीर को उस डिसऑर्डर से जो है वो बाहर निकाल करके ले आए थे। तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी। कल्हाना जो कि फर्स्ट हिस्टोरियन माने जाते हैं कश्मीर के, हमने पहले भी बात करी थी, उनके अनुसार अवंती वर्मन बिल्ट मैनी टेम्पल्स एंड अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर। तो उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत सारे नए नए कस्बे जो हैं वो बसाए थे, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था, और इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन या एक मजबूत प्रशासन जो है वो अवंती वर्मन ने दिया था। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स जो है वो बसाए थे कश्मीर के अंदर, जिनमें से शामिल है एक शहर अवंतीपुरा, जो कि अवंती वर्मन राजा की राजधानी या कैपिटल भी हुआ करती थी। मैंने आपसे पहले भी बात करी है भैया, जहां भी कहीं रूल रहता है और जहां से वो पूरा का पूरा रूल ऑपरेट होता है, उसे उस इलाके की राजधानी, चाहे वो किसी देश की हो, किसी राज्य की हो, या किसी डायनेस्टी की, राजवंश की राजधानी भी हो सकती है। तो उत्पाला डायनेस्टी में जब अवंती वर्मन जो थे वो राजा थे, उस समय उनकी जो राजधानी थी वो कश्मीर के अंदर एक टाउन अवंतीपुरा, जिसे आज अवंतीपुरा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के अंदर ये एक इलाका है अवंतीपुरा का। तो इस अवंतीपुरा की स्थापना या इस अवंतीपुरा कस्बे को बसाने वाले थे राजा अवंती वर्मन। दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप हम याद रख पाएंगे, क्योंकि नाम जो है वो सिमिलर है, अवंती वर्मन से मिलता जुलता नाम है अवंतीपुरा। तो अवंती वर्मन जो थे उन्होंने अवंतीपुरा का शहर बसाया था। तो एक अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आ सकता है, दी टाउन ऑफ अवंतीपुरा वॉज फाउंडेड बाय, तो हम लिखेंगे, चार ऑप्शंस होंगे उसमें अवंती वर्मन, हम समझ जाएंगे कि नाम एक जैसा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि द टाउन ऑफ अवंतीपुरा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच डायनेस्टी, तो भैया उसमें डायनेस्टी याद करनी पड़ेगी। उसमें उत्पाला डायनेस्टी हो सकता है, कुषाण डायनेस्टी हो सकता है, मौर्यन डायनेस्टी हो सकता है, कारकोटा डायनेस्टी हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि राजा जो हैं वो उत्पाला डायनेस्टी के थे और उनका नाम था अवंती वर्मन। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो मंदिर जो है वो भगवान शिव और भगवान विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड थे, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इन्होंने कश्मीर के अंदर करवाया था। यानी कि मध्यकालीन इतिहास में जब उत्पाला डायनेस्टी की शुरुआत हुई, तो राजा अवंती वर्मन के राजपाठ में समय जो है वो कश्मीर के अंदर बहुत बढ़िया से गुजरा। उसके बाद दोस्तों अवंती वर्मन के दौर में, अवंती वर्मन के शासन काल में एक सुआ, जिन्हें की बेस्ट इंजीनियर या सर्वश्रेष्ठ अभियंता, इंजीनियर को अभियंता कहते हैं, तो भैया बेस्ट इंजीनियर जो है वो उस समय के माने जाते थे। अवंती वर्मन के शासन काल में सुआ जो थे वो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर जो है वो माने जाते थे कश्मीर के। और उन्होंने एक टाउन जो है वो बसाया था, जिस टाउन को उन्होंने अपना ही नाम दिया था, सुआपुर, जिसे आज सोपोर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सोपोर एक जिला है, सोपोर का एक इलाका है बारामूला जिले में, जो कि किसने बसाया था, जो कि एक इंजीनियर थे सुआ, जिनका नाम था। उत्पाला डायनेस्टी में अवंती वर्मन राजा के कार्यकाल के दौरान सुआ ने जो है ये सुआपुर के नाम से टाउन बसाया था, जिसे बाद में चलकर जिसका नाम जो है वो सोपोर हो गया। तो दोस्तों ये दो टाउन जो है थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, टू इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ कश्मीर, वन इज अवंतीपुरा, अदर इज सोपोर। These both the towns were founded by during the reign of Utpala dynasty and during the time of King Avanti Varman. तो Avanti Varman और Utpala dynasty जो है वो बहुत important है with reference to medieval history of Jammu and Kashmir. जैसे हम आगे बढ़े भैया 883 AD में Avanti Varman जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। After his the death of Avanti Varman, उनके सुपुत्र, his son शंकर वर्मन, नाम याद रखिएगा, अवंती वर्मन के सुपुत्र शंकर वर्मन, ही सक्सीडेड द थ्रोन, यानी कि उन्होंने राजपाठ जो है वो संभाला था, वो आकर के उत्पाला डायनेस्टी के, उत्पाला राजवंश के सिंहासन पर जो आकर के बैठे थे।
यहां पर क्या हुआ, लेकिन शंकर वर्मन जो थे वो अपने पिता की तरह एक अच्छे शासक जो है वो नहीं बन पाए, और इस शंकर वर्मन के दौरान ही उत्पाला डायनेस्टी का पतन जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। क्यों? थोड़े ही समय में सिविल वॉर जो है, गृह युद्ध जिसे कहते हैं, सिविल वॉर जो है वो कश्मीर के अंदर शुरू हो गया था। तो जब सिविल वॉर कहीं भी शुरू होता है तो अल्टीमेटली फिर जो एक क्लियर कट इंडिकेशन इसका ये रहता है कि जो कंट्रोल है, जो शासन काल है वो कमजोर है। तो कमजोर शासन काल के चलते कश्मीर के अंदर सिविल वॉर या गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है वो बन गई थी, और उत्पाला डायनेस्टी का इसी के साथ ही जो है वो पतन हो गया था। एंड अल्टीमेटली उत्पाला डायनेस्टी केम टू एन एंड। तो भैया उत्पाला डायनेस्टी में दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, एक अवंती वर्मन और उनके सुपुत्र शंकर वर्मन। अवंती वर्मन के दौरान, शासनकाल के दौरान, एक प्रमुख और एक सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर सुआ जो थे वो मौजूद थे, जिनके नाम पर एक टाउन बसा था जिसे पहले सुआपोर का नाम दिया गया, बाद में उसका नाम बदल करके डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होके सोपोर हो गया। तो उत्पाला डायनेस्टी के दौरान दो इंपॉर्टेंट टाउन्स बने थे जम्मू कश्मीर में, एक का नाम था अवंतीपुरा, एक का सोपोर। अवंतीपुरा को की स्थापना करने वाले थे राजा अवंती वर्मन। आई होप उत्पाला डायनेस्टी के बारे में हमको चीजें जो है वो समझ में आ गई है। दोस्तों क्या हुआ, एक बार उत्पाला डायनेस्टी के अंदर जब डिक्लाइन उत्पाला डायनेस्टी का शुरू हो गया शंकर वर्मन के दौरान, तो भैया अल्टीमेटली फिर उत्पाला डायनेस्टी जो है इट केम टू एन एंड। एंड उसके बाद कश्मीर के अंदर कुछ समय के लिए स्थापना हुई थी ब्राह्मणिक रूल की, ब्राह्मणी राजवंश की स्थापना जो है वो करीब करीब 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए ब्राह्मणिक रूल जो है वो कश्मीर के अंदर स्थापित हुआ था। चलिए देखते हैं ये ब्राह्मणिक रूल क्या था और यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो हुई थी। After the downfall of उत्पाला dynasty, भैया उत्पाला dynasty के पतन के बाद ब्राह्मिन्स हम जानते हैं, religious community of Hindus, तो हिंदू धर्म में एक धार्मिक समुदाय जो है वो ब्राह्मिन्स है। तो ब्राह्मणिक रूल जो है उसकी स्थापना जो है वो कश्मीर के अंदर हो गई थी। ये ब्राह्मणिक रूल जो है इसकी स्थापना हुई थी और काउंसिल ऑफ ब्राह्मिन्स ने, ब्राह्मणों की अपनी एक परिषद थी, एक काउंसिल था जहां पे वो लोग मिलकर के बैठते थे, फैसले लेते थे, उस काउंसिल ऑफ ब्राह्मिन्स ने या ब्राह्मणों के परिषद ने मिलकर के यशस्करा एक व्यक्ति थे, उनको कश्मीर का शासक जो है वो बना दिया था। कब? 1939 AD में। उत्पाला डायनेस्टी जो है वो खत्म हो चुकी थी, उत्पाला डायनेस्टी जो है उसका पतन हो चुका था और कश्मीर के अंदर ब्राह्मणिक रूल की जो है वो स्थापना हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मिन्स जो थे वो हिंदू धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एक कम्युनिटी मानी जाती थी। तो उस कम्युनिटी ने अपनी एक काउंसिल जो है वो बना रखी थी, ब्राह्मणिक काउंसिल जिसे कहते थे या ब्राह्मीण परिषद जिसे कहा जाता था। उस ब्राह्मणिक काउंसिल ने ये फैसला लिया कि यशस्करा जो है वो कश्मीर के शासक बनेंगे। तो यशस्करा जो है उनको 1939 AD में ब्राह्मणिक रूल के अंतर्गत कश्मीर का शासन काल जो है वो सौंप दिया था। तो यशस्करा वॉज नोन टू बी द फर्स्ट ब्राह्मीण रूलर ऑफ कश्मीर। उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि शंकर वर्मन के समय में पॉलिटिकल अनरेस्ट और सिविल वॉर, गृह युद्ध जो है वो शुरू हो गया था कश्मीर के अंदर। मैंने आपको बताया कि अवंती वर्मन उत्पाला डायनेस्टी के जो थे उनके शासनकाल में चीजें बहुत बेहतर थी, लेकिन उनके सुपुत्र शंकर वर्मन जो है वो उतने बेहतर तरीके से चीजों को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, शंकर वर्मन के कार्यकाल के दौरान कश्मीर के अंदर अनरेस्ट और सिविल वॉर जो है शुरू हो गया था। यशस्करा ने आते ही सबसे पहले उन्होंने शांति बहाल की कश्मीर के अंदर, एंड ही एंडेड द लॉन्ग टर्म सिविल वॉर इन द उत्पाला डायनेस्टी। तो भैया उन्होंने दो प्रमुख काम किए कि जो पीस था, जो शांति थी, उसकी स्थापना करी उन्होंने कश्मीर के अंदर, और जो गृह युद्ध या सिविल वॉर चल रहा था उसको उन्होंने रोका। तो दो इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किए, किसने किए, ब्राह्मणिक रूलर यशस्करा ने। आते ही उन्होंने शांति बहाल की कश्मीर के अंदर और जो गृह युद्ध या सिविल वॉर चल रहा था उसको खत्म कर दिया। यशस्करा के बाद अगले रूलर जो है वो आए, उनका नाम था संग्राम देव। संग्राम देव जो थे वो अगले शासक बने कश्मीर के, किसके बाद, यशस्करा के बाद। मगर इनका शासनकाल जो है वो काफी लंबा नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि भैया जी इनको जो है इनके ही एक मिनिस्टर, संग्राम देव के एक मिनिस्टर जिनका नाम था पार्व गुप्ता। संग्राम देव कौन थे? संग्राम देव सेकंड ब्राह्मणिक रूलर थे जो यशस्करा के बाद कश्मीर के अंदर राज करने के लिए आए थे। मगर संग्राम देव के अपने ही एक मिनिस्टर जिनका नाम था
पार्व गुप्ता ने संग्राम देव को मार दिया था, जिससे एकदम से एब्रप्टली ब्राह्मणिक रूल जो है वो एंड हो गया। भैया पहले हमने मिडिवल हिस्ट्री में बात करी उत्पाला डायनेस्टी की, तो उत्पाला डायनेस्टी में सबसे पहले आए थे कौन? अवंती वर्मन ने बहुत अच्छे से शासन किया। अवंती वर्मन के पुत्र जो थे शंकर वर्मन, वो उतने बेहतर तरीके से शासन नहीं कर पाए, जिस कारण से कश्मीर के अंदर अशांति और गृह युद्ध की स्थिति जो है वो बन गई। उस ग्रह युद्ध की स्थिति के कारण उत्पाला डायनेस्टी का, उत्पाला राजवंश का पतन हो गया और उसके बाद कश्मीर के अंदर ब्राह्मणिक रूल जो है उसकी स्थापना हुई। तो काउंसिल ऑफ ब्राह्मिन्स या ब्राह्मणों की परिषद ने एक व्यक्ति जिनका नाम था यशस्करा को कश्मीर का राजवंश जो है वो सौंप दिया। यशस्करा ने आते ही सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी के अंत में शुरू हुआ जो सिविल वॉर या गृह युद्ध था उसको बंद करवाया और शांति बहाल की कश्मीर के अंदर। यशस्करा के बाद अगले ब्राह्मणिक रूलर जो थे वो कश्मीर के, उनका नाम था संग्राम देव। मगर संग्राम देव का शासनकाल जो है वो बहुत लंबा नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि संग्राम देव के खुद के एक मिनिस्टर, एक मंत्री जिनका नाम था पार्व गुप्ता, उन्होंने संग्राम देव को जो है वो मार डाला था और संग्राम देव की मृत्यु के साथ ही एकदम से ब्राह्मणिक रूल जो है उसका कश्मीर में अंत हो गया। भैया पार्व गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो पार्व गुप्ता ने जैसे ही ब्राह्मणिक रूल का या फिर संग्राम देव को मार करके ब्राह्मणिक रूल का जो अंत किया, उसी के साथ में कश्मीर के अंदर गुप्ता शासन या गुप्ता राजवंश की शुरुआत हो गई। तो कैसे हुई? क्योंकि पार्व गुप्ता ने अपने ही राजा को मार डाला था और गुप्ता रूल जो है वो स्थापित कर लिया था। तो भैया सीधी सी बात है, जब पार्व गुप्ता ने राजा को मारा था तो सबसे पहले राजा कश्मीर के कौन बने? गुप्ता रूलर में पार्व गुप्ता बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर इन 1948। पार्व गुप्ता जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता राजवंश के पहले राजा जो है वो कश्मीर के अंदर बने। बट ही रूल्ड ओनली फॉर 2 years, भैया मात्र 2 साल के लिए जो है वो अपना शासन काल जो है वो कर पाए थे। उस 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई, तो मात्र 2 सालों के लिए पार्व गुप्ता जो है वो कश्मीर के शासक बने थे, मगर उन्होंने गुप्ता शासन काल की स्थापना जो है वो कश्मीर के अंदर कर दी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका सुपुत्र क्षेन गुप्ता कौन है? क्षेन गुप्ता जो है वो पार्व गुप्ता का सुपुत्र है। पार्व गुप्ता के सुपुत्र क्षेन गुप्ता ने 8 सालों तक राज किया। वो 8 साल तक कश्मीर की गद्दी पर जो है वो बैठे रहे। क्षेन गुप्ता का विवाह हुआ था लोहारा राजवंश की एक राजकुमारी जिनका नाम था प्रिंसेस दीदा। लोहार राजवंश के राजा की सुपुत्री प्रिंसेस दीदा के साथ विवाह हुआ था। किसका? क्षेन गुप्ता का। यानी कि प्रिंसेस दीदा जो है वो पार्व गुप्ता की बहू बनी और उनके सुपुत्र क्षेन गुप्ता की बेटी जो है वो बनी कौन? लोहारा शासन काल की, लोहारा के राजा की सुपुत्री प्रिंसेस दीदा। प्रिंसेस दीदा जो है शी वॉज द रियल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी की असल रूलर जो है उन किसको माना गया? प्रिंसेस दीदा को। शी बिल्ट मैनी टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज इन द स्टेट एंड प्रोवाइडेड एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्षेन गुप्ता के बाद गुप्ता शासन काल जो है वो किसके हाथ में चला गया? क्षेन गुप्ता के बाद गुप्ता शासन काल जो है कश्मीर में वो क्षेन गुप्ता की पत्नी प्रिंसेस दीदा के हाथ में चला गया। प्रिंसेस दीदा कौन थी? वो लोहारा राजवंश की बेटी थी, लोहारा राजवंश की राजकुमारी थी। तो उन्होंने एक बहुत ही सफल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कश्मीर के लोगों को दी। उन्होंने बहुत सारे मठों का निर्माण किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया और एक बहुत ही सक्षम प्रशासन जो है वो कश्मीर के अंदर प्रदान किया। किसने? प्रिंसेस दीदा ने। तो ये नाम याद रखिएगा, प्रिंसेस दीदा जो है शी वॉज द मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर। 1980 में उन्होंने सिंहासन को संभाला था अपने पति क्षेन गुप्ता की मृत्यु के बाद। प्रिंसेस दीदा जो है वो कश्मीर की गद्दी पर जाकर के बैठी थी। शी वॉज एन एबल रूलर हु फर्मली रूल्ड ओवर कश्मीर वैली। मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया कश्मीर घाटी पर उन्होंने एक बहुत ही सक्षम शासक के रूप में राज किया, एक बहुत ही एबल रूलर के रूप में उन्होंने कश्मीर वैली पर जो है वो राज किया। और उनकी डेथ से पहले, बिफोर हर डेथ, शी एंड हैंडेड ओवर द थ्रोन ऑफ कश्मीर टू लोहारा रूलर संग्राम राज, सन ऑफ हर ब्रदर उदय राज। प्रिंसेस दीदा ने अपने भाई के बेटे को,
यानी कि अपने भांजे को जो है वो पूरा का पूरा राजवंश जो है वो सौंप दिया। किसने? प्रिंसेस दीदा ने। प्रिंसेस दीदा किस राजवंश से बिलोंग करती थी? प्रिंसेस दीदा मैंने आपको बताया लोहारा डायनेस्टी की थी। तो प्रिंसेस दीदा जब शादी से पहले लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी तो उनके भाई भी जो है वो लोहारा डायनेस्टी के राजा थे और भाई का बेटा जो है वो भी लोहारा डायनेस्टी का है। यानी कि प्रिंसेस दीदा ने गुप्ता रूल का जो पूरा साम्राज्य था वो किसके हाथों में सौंप दिया अपनी मृत्यु से पहले? लोहार रूलर्स के हाथों में। कौन, क्या नाम था उस शासक का? संग्राम राज। ये संग्राम राज कौन थे? ये संग्राम राज प्रिंसेस दीदा के भाई उदय राज के सुपुत्र थे। इस तरह से क्या हुआ था, कश्मीर के अंदर गुप्ता रूल के बाद में लोहारा रूल जो है वो स्थापित हो गया था। दोस्तों क्यों मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रिंसेस दीदा जो है वो एक बहुत ही सफल एडमिनिस्ट्रेटर थी। शी प्रूव टू बी द मोस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूलर ऑफ कश्मीर। क्यों भैया? प्रिंसेस दीदा के कार्यकाल में महमूद गजनावी, जिसे महमूद ऑफ गजनी भी कहते हैं, उसने दो बार कोशिश करी थी कश्मीर घाटी को अपने कब्जे में करने की, मगर वो दोनों बार जो है वो सफल नहीं हो पाया था। महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनावी जिसे कहा जाता है, उसने दो बार कोशिश करी कश्मीर घाटी को अपने कब्जे में लेने की, मगर ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्यों? क्योंकि उस समय प्रिंसेस दीदा जो है वो राज कर रही थी, इसीलिए उनको एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कश्मीर के अंदर माना जाता है। तो दोस्तों ब्राह्मणिक रूल के बाद आया गुप्ता रूल। ब्राह्मणिक रूल जो है वो कैसे एंड हुआ था? संग्राम देव जो थे वो राजा बने थे, लेकिन संग्राम देव के एक मंत्री पार्व गुप्ता ने संग्राम देव को मार दिया था और पार्व गुप्ता खुद राजा बन गए थे और उनसे ही गुप्ता रूल की शुरुआत हुई थी। पार्व गुप्ता जो है वो मात्र 2 साल के लिए उन्होंने रूल करा, उसके बाद उनके सुपुत्र क्षेन गुप्ता ने राज करा करीब 8 साल तक। क्षेन गुप्ता की मृत्यु के बाद क्षेन गुप्ता की धर्म पत्नी, क्षेन गुप्ता की पत्नी प्रिंसेस दीदा जो थी, उन्होंने कश्मीर का राजपाट संभाला और प्रिंसेस दीदा की मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर का राजपाट जो है वो अपने भाई के बेटे जिनका नाम था संग्राम राज, जो लोहारा राजवंश के राजा थे, उनको सौंप दिया। और इसी के साथ में गुप्ता रूल के बाद कश्मीर के अंदर स्थापना हुई लोहारा डायनेस्टी की, लोहारा राजवंश। दोस्तों कनेक्ट कर पाए हैं कैसे एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो चीजें चल रही हैं? तो 1003 से लेकर के 1017 एडी तक लोहार राजवंश जो है उसका राज रहा। दिस डायनेस्टी वॉज सेंटर्ड एट लोहरान। लोहरान एक जगह है जहां पर इस पूरी की पूरी लोहारा डायनेस्टी जो है उसका शासन काल रहा। इट वॉज फाउंडेड बाय संग्राम राज। संग्राम राज कौन थे? मैंने आपको बताया भैया, संग्राम राज प्रिंसेस दीदा के भतीजे थे, जिनको प्रिंसेस दीदा ने पूरी की पूरी डायनेस्टी जो है गुप्ता डायनेस्टी दे दी थी और अब गुप्ता डायनेस्टी की जगह वहां पर लोहारा डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो संग्राम राज जो थे वो एक इंपॉर्टेंट राजा थे जिन्होंने लोहारा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी कश्मीर में। उनके बाद अनदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हर्षा। हर्षा जो थे वो एक और इंपॉर्टेंट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। वो साहित्य और कला के संरक्षक थे। उन्होंने प्रोटेक्ट करा और उन्होंने प्रमोट करा किसको? आर्ट और लिटरेचर को। हर्षा एंड भोजा, नाम सुना होगा हर्षा एंड भोजा, लोहारा डायनेस्टी से संबंध रखते थे ये दो। हर्षा के सुपुत्र थे भोजा। They were the strong rulers, but treacherously killed their generals Uchala and Susala, and throne was passed into their hands. भैया ये दोनों बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। कौन? हर्षा और भोजा। हर्षा भी जो थे वो लोहारा डायनेस्टी के रूलर थे और उनके सुपुत्र भोजा जो थे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, मगर विश्वासघात करके इनके ही दो जनरल जिनका नाम था उचला और सुसाला, उचला और सुसाला इनके ही दो जनरल्स थे जिन्होंने एक विश्वासघात या एक कॉन्स्पिरेसी करके हर्षा और भोजा दोनों को मार गिराया था और पूरा का पूरा शासन काल जो है वो अपने हाथों में ले लिया था। ऐसा पहले भी हो चुका था। ऐसा पहले कब हुआ था? ब्राह्मणिक रूल में। ब्राह्मणिक रूल में पार्व गुप्ता ने अपने राजा को मार डाला था। दोबारा वो चीज रिपीट हुई लोहारा डायनेस्टी के दौरान। लोहारा डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट किंग्स हर्षा और भोजा, हर्षा के सुपुत्र थे भोजा, जो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स माने जाते थे कश्मीर के अंदर, मगर उनके ही जनरल्स ने विश्वासघात करके उचाला और सुसाला को मार गिराया और पूरी की पूरी डायनेस्टी, पूरी की पूरा राजवंश जो है वो अपने हाथ में ले लिया। जय सिम्हा जो है वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। And during his period, Kalhana completed his historical text, Raj Tarangini. भैया
राज तारंगिनी जो है वो कब लिखी गई थी? राज तारंगिनी जो है वो लोहारा डायनेस्टी के रूल में लिखी गई थी। और राजा कौन थे? जय सिम्हा। जय सिम्हा जो है ये लास्ट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के। लोहारा डायनेस्टी का जो शासन काल था वो 1003 AD से लेकर 1171 1003 ईस्वी से लेकर के 1171 ईस्वी तक जो है वो लोहारा डायनेस्टी का शासन काल रहा। लोहारा डायनेस्टी के जो अंतिम रूलर थे उनका नाम था जय सिम्हा एंड वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी ड्यूरिंग हिज पीरियड। राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय कल्हाना। कल्हाना की राज तरंगिनी जिसके ऊपर पूरा का पूरा कश्मीर का इतिहास बेस्ड है भैया, वो कब लिखी गई थी? वो लोहारा डायनेस्टी के ग्रेट रूलर, जो लास्ट ग्रेट रूलर उनको कहा जाता है, अंतिम महान शासक। दोस्तों डिफरेंस है, अंतिम शासक और अंतिम महान शासक में डिफरेंस है। हम जानते हैं अंतिम लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, वेरेज लास्ट ग्रेटर ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब को माना जाता है। यानी कि महान शासनकाल और महान शासक में और शासक में फर्क है। लास्ट ग्रेट रूलर लोहारा डायनेस्टी के जय सिम्हा थे, वेरेज लास्ट रूलर जो थे वो वनिता देवा थे। भैया जी क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है लोहारा डायनेस्टी के टाइम पे? लोहारा डायनेस्टी के टाइम पे कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, हर्षा एंड भोजा, जय सिम्हा। जय सिम्हा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया जय सिम्हा के कार्यकाल के दौरान ही राज तरंगिनी कल्हाना द्वारा कंप्लीट करी गई थी। जय सिम्हा ने करीब 27 साल तक कश्मीर के ऊपर राज किया और इस लोहारा डायनेस्टी के अंतिम राजा थे वनिता देव, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1171 AD में। और इनकी मृत्यु के साथ लोहारा डायनेस्टी जो है वो एंड हो गई थी। और इनकी मृत्यु के साथ ही पॉलिटिकल अनरेस्ट और क्योस जो है, राजनीतिक अशांति और अराजकता जो है वो कश्मीर के अंदर फैल गई थी। किसके दौरान? लोहारा डायनेस्टी के लास्ट रूलर वनिता देव की डेथ के बाद। तो इसी के साथ में लोहारा डायनेस्टी जो है उसका भी पतन हो गया था। लोहारा डायनेस्टी के बाद कश्मीर के अंदर शुरुआत हुई देवा डायनेस्टी की। भैया बात कहां से शुरू हुई थी? सबसे पहले आई उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी के बाद आया ब्राह्मणिक रूल। ब्राह्मणिक रूल के बाद आया गुप्ता रूल। गुप्ता रूल के बाद आया लोहारा डायनेस्टी। और लोहारा डायनेस्टी के बाद देववंशिया देव डायनेस्टी की शुरुआत कश्मीर के अंदर हो गई थी 1171 AD से लेकर के 1339 AD तक। कश्मीर के अंदर जो रूल था वो देवा डायनेस्टी का था। तो भैया 1171 से 1371 AD तक जो शासन काल रहा है वो रहा है देवा डायनेस्टी का। संग्राम देव एंड सहदेव, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, संग्राम देव और सहदेव जो हैं, दे वर नोटेबल किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस राजवंश के दो प्रसिद्ध राजा जो थे वो कौन से थे? संग्राम देव और सहदेव। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सहदेव, सहदेव के शासन काल में कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय ट्रेटर चीफ मंगोल दुलूचा फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया से मंगोल शासक दुलूचा द्वारा आक्रमण जो है वो देवा डायनेस्टी के ऊपर किया गया था। जैसे ही देवा डायनेस्टी के ऊपर मंगोल शासक दुलूचा ने आक्रमण किया, इस आक्रमण के साथ उसने कश्मीर के अंदर बहुत सारी एट्रोसिटीज या अत्याचार जो है वो करने शुरू कर दिए। किसने? दुलूचा। कौन थे? सेंट्रल एशिया के एक शासक जिन्होंने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया था, और आक्रमण करके उन्होंने बहुत सारे अत्याचार जो है वो करने शुरू किए, जिसकी वजह से सहदेव जो थे वो भाग गए देश से। उन्होंने देश से भागने में भलाई समझी, उन्हें लगा कि अगर यहां रहेंगे तो शायद दुलूचा उन्हें भी मार डालेगा, इसलिए वो देश से भाग गए। उनके भागने के साथ ही रिनचैन, रिनचैन 1320 से 1323 AD 1320 to 23 AD रिनचैन एक लद्दाखी राजकुमार थे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है जब इकट्ठा हुआ करता था तो उस समय लद्दाखी प्रिंस जिनका नाम था रिनचैन, उन्होंने देखा कि कश्मीर के राजा जो है सहदेव हैं वो भाग गए हैं, तो उन्होंने कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ही सीज्ड द थ्रोन ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि भैया सहदेव जो है वो भाग गए थे, एक राज्य का राजा जो है वो डर के भाग गया था, तो उस राज्य की राजगद्दी जो है वो खाली पड़ी थी। उस समय रिनचैन जो एक लद्दाखी राजकुमार थे उन्होंने आकर के कश्मीर की गद्दी पर जो है वो कब्जा कर लिया। रिनचैन जो थे ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर।
किसने रिनचैन जो लद्दाखी प्रिंस थे उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और इस प्रकार से वो कश्मीर के सबसे पहले मुस्लिम शासक जो है वो बने। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो मुस्लिम रूलर सबसे पहले कौन थे कश्मीर के, उनका नाम था रिनचैन। रिनचैन एक लद्दाखी रूलर थे, लद्दाखी प्रिंस थे जिन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया जब सहदेव जो देवा डायनेस्टी के राजा थे वो वहां से भाग गए। उन्होंने कश्मीर के कब्जा कर लिया और साथ ही उन्होंने मुस्लिम धर्म जो है, इस्लाम धर्म जो है उसको अपना लिया था और उन्होंने अपना नाम रिनचैन से बदल करके सुल्तान सदरुद्दीन रख लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोथ वेज, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर, ऑप्शंस में जहां रिनचैन हो सकता है या सुल्तान सदरुद्दीन हो सकता है। तो ये रिनचैन और सुल्तान सदरुद्दीन जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रिंस थे वो लद्दाख के जिनका असली नाम रिनचैन था, मगर बाद में जब उन्होंने इस्लाम धर्म को जो है वो अपना लिया तो उन्होंने अपना नाम बदल करके सुल्तान सदरुद्दीन रख लिया। ये सब कब हो रहा था, ये सब हो रहा था देवा डायनेस्टी के दौरान। सुल्तान सदरुद्दीन की मृत्यु हो गई 1323 एडी में। तो भैया जी 1323 एडी में सुल्तान सदरुद्दीन की मृत्यु हो गई और सुल्तान सदरुद्दीन जो थे उन्होंने क्वीन कोटा रानी से विवाह करा था। उनकी जो रानी थी, उनके उनकी जो पत्नी थी, किसकी, सुल्तान सदरुद्दीन या फिर रिनचैन, एक ही व्यक्ति का नाम था। तो रिनचैन या सुल्तान सदरुद्दीन की धर्मपत्नी थी क्वीन कोटा रानी। तो महारानी कोटा रानी ने जो है वो क्या किया, अपने पति सुल्तान सदरुद्दीन की मृत्यु के बाद देवा शासक, फिर देवा डायनेस्टी के एक और राजा उद्यान देव, उद्यान देव कौन थे, सहदेव के भाई थे। सहदेव कौन था, जो सेंट्रल एशिया से हुए अटैक से डरकर अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद सुल्तान सदरुद्दीन ने कश्मीर का राजपाट जो है वो संभाला था। तो कश्मीर के राजपाट को जब सदरुद्दीन ने संभाला, उनसे पहले जो शासक थे सहदेव, उनके ही भाई के साथ जिनका नाम उद्यान देव था, सुल्तान सदरुद्दीन की बीवी कोटा रानी ने विवाह कर लिया। आई होप हम समझ रहे हैं, दोबारा से देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देवा डायनेस्टी के सहदेव जो है उनका शासनकाल चल रहा था, मगर उनके शासनकाल के दौरान सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से एक शासक दुलूचा ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। जब दुलूचा ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया उस समय देवा राजवंश के राजा सहदेव का रूल चल रहा था। सहदेव ने देखा कि बहुत सारे अत्याचार जो है वो दुलूचा द्वारा कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं। उन अत्याचारों से बचने के लिए सहदेव जो है वो अपना राजपाट छोड़ करके देश से भाग गए। जब वो देश से भागे तो उस समय पास के ही एक राजकुमार रिनचैन, जिन्होंने देखा कि अब कश्मीर में किसी का भी शासनकाल नहीं है, क्यों, जो राजा है वो तो भाग गए हैं, तो उन्होंने आकर के कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। असली नाम उनका रिनचैन था, मगर बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और उन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया सुल्तान सदरुद्दीन। और इस तरह से सुल्तान सदरुद्दीन या रिनचैन जो थे वो कश्मीर के सबसे पहले मुस्लिम रूलर जो है वो बने। सुल्तान सदरुद्दीन ने कुछ समय तक कश्मीर पे राज किया, मगर जब उनकी मृत्यु हो गई तो सुल्तान सदरुद्दीन की जो पत्नी थी कोटा रानी, उन्होंने विवाह कर लिया किससे, देवा राजवंश, देव राजवंश के ही एक राजकुमार, कौन, सहदेव जो राजा थे उनके ही भाई के साथ में सुल्तान सदरुद्दीन की बीवी ने विवाह कर लिया और उद्यान देव जो है वो दोबारा से रूल करने लगे और ही बिकेम द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। पहले, सबसे पहले मुस्लिम रूलर कौन थे, सुल्तान सदरुद्दीन, और उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उनकी पत्नी ने देव वंश के एक राजकुमार जिनका नाम उद्यान देव था उनसे विवाह किया था और उद्यान देव जो थे वो अंतिम रूलर कहलाए कश्मीर के। उद्यान देव की पत्नी कोटा रानी, जो पहले सुल्तान सदरुद्दीन की पत्नी थी, अब वो उद्यान देव की पत्नी होगी क्योंकि उन्होंने सुल्तान सदरुद्दीन की मृत्यु के बाद उद्यान देव से शादी कर ली थी। तो कोटा रानी जो है उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अपने राजवंश पर राज किया, बट ड्यू टू एन अपराइजिंग बाय शाहमीर, शाहमीर कौन था, मिनिस्टर ऑफ रिनचैन या सुल्तान सदरुद्दीन के एक मिनिस्टर। भैया कश्मीर के अंदर मिनिस्टर्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है। पहले मिनिस्टर्स ने, पारव गुप्ता ने अपने शासक को मारा, उसके बाद हमने देखा कि दो जनरल्स ने अपने शासक को मारा और अब दोबारा से एक अपराइजिंग, एक विद्रोह जो है वो मिनिस्टर के द्वारा किया जा रहा था। क्या नाम था उनका, नाम था शाहमीर। ये कौन थे, ये रिनचैन या सुल्तान सदरुद्दीन के रियासत के एक मंत्री थे। उन्होंने एक विद्रोह करा जिसके कारण देव डायनेस्टी जो है उसका पतन हो गया और देव डायनेस्टी जो है 1339 एडी में इसकी
एंड हो गया। और इसी के साथ में भैया अपराइजिंग किसने करी थी, विद्रोह किसने स्टार्ट करा था, विद्रोह करा था शाह मीर ने स्टार्ट। तो शाह मीर ने विद्रोह करके देव डायनेस्टी, देव राजवंश को खत्म कर दिया और अपना शासनकाल कश्मीर के अंदर स्थापित कर लिया। और इसी के साथ शुरुआत हुई कश्मीर में शाह मीर डायनेस्टी की। देव डायनेस्टी के अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई। देव डायनेस्टी के दौरान एक मध्य एशिया से आए हुए शासक दुलूचा ने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, बहुत सारे अत्याचार जो है वो कश्मीर के अंदर करना शुरू किए, जिस कारण से कश्मीर के उस समय के जो रूलर थे सहदेव, वो अपना राजपाट छोड़कर भाग गए। ये देखा किसने, देखा ये चीज देखी लद्दाख के एक राजकुमार जिनका नाम रिनचैन था। उन्होंने कहा अरे भैया कश्मीर की गद्दी तो खाली पड़ी है, तो उन्होंने आकर के कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया और साथ ही उन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो अपना लिया और उन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया सुल्तान सबरुद्दीन। सुल्तान सबरुद्दीन जो है वो कश्मीर के पहले मुस्लिम रूलर जो है वो कहलाए। सुल्तान सबरुद्दीन की पत्नी का नाम था कोटा रानी। सुल्तान सबरुद्दीन की मृत्यु के बाद कोटा रानी ने देव राजवंश के एक राजकुमार जो कि सहदेव राजा जो भाग चुके थे उनके भाई थे, उनका नाम था उद्यान देव। तो कोटा रानी ने उद्यान देव से शादी कर ली और उद्यान देव जो थे वो अंतिम हिंदू रूलर कहलाए कश्मीर के। क्यों? क्योंकि सुल्तान सबरुद्दीन के ये एक राजा मिनिस्टर जिनका नाम था शाह मीर, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने बगावत कर दी और देव राजवंश को खत्म कर दिया। और इसी के साथ में कश्मीर के अंदर शुरुआत हो गई शाह मीर वंश की या शाह मीर डायनेस्टी की। 1339 से लेकर 1555 तक, 1339 से लेकर के 1555 तक इस शासनकाल में शाह मीर वंश का राजपाट जो है वो कश्मीर के अंदर रहा। भैया जाहिर सी बात है शाह मीर जिन्होंने विद्रोह करा था देव राजवंश में वही सबसे पहले रूलर बने और उन्होंने शाह मीर डायनेस्टी की शुरुआत करी कश्मीर के अंदर और इनको टाइटल मिला सुल्तान शामुद्दीन। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, सुल्तान शामुद्दीन वाज अ टाइटल गिवन टू हुम? शाह मीर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। तो हमें याद रखना है कि शाह मीर जो है उनको ये टाइटल जो है वो दिया गया था, उनको ये शीर्षक जो है दिया गया था क्या, सुल्तान शामुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे थोड़ा सा याद रखने की कोशिश हम लोग करेंगे। इन दिस पीरियड इस्लाम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर धीरे धीरे शाह मीर डायनेस्टी के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम वंश की जो है वो स्थापना हो चुकी थी। इस शाह मीर डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे सुल्तान शिहाबुद्दीन और सुल्तान जैनुल अब्दीन। दो मुख्य शासक थे, दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इस शाह मीर डायनेस्टी के, एक का नाम था सुल्तान शिहाबुद्दीन और दूसरे का नाम था सुल्तान जैनुल अब्दीन। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे शाह मीर डायनेस्टी के। सुल्तान शिहाबुद्दीन जो थे ही वॉज अ ग्रेट रूलर हु लेड मैनी कैंपेन्स एंड कॉन्कर्ड मैनी रीजन्स लाइक सिंध, काबुल, गजनी, कंधार, पाखाली, स्वात, मुल्तान, बदशखाना, दर्दिस्तान, गिलगिट, बलोचिस्तान एंड लद्दाख। तो भैया कश्मीर की टोपोग्राफी के आसपास लद्दाख रीजन हो, पाकिस्तान का गिलगिट इलाका हो या अफगानिस्तान का कंधार या काबुल हो, ये सारा का सारा यानी कि कश्मीर के आसपास के जितने भी नेबरिंग एरियाज थे वहां पर सुल्तान शिहाबुद्दीन ने जो है वो कब्जा कर लिया था। ही फेस्ड इन्वेजन फ्रॉम द रूलर ऑफ काशगर। दोबारा से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से एक इन्वेजन जो है, एक आक्रमण जो है हुआ, हु लेटर क्लेम्ड लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। तो भैया काशगार जो कि रूल, काशगार के जो राजा थे जो मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने लद्दाख और बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनके कब्जे से पहले सुल्तान शिहाबुद्दीन ने बहुत सारे कश्मीर के नेबरिंग रीजन्स जो है उनको कैप्चर कर लिया था। सुल्तान ऑफ कश्मीर लेड एन आर्मी टूवर्ड्स दिल्ली, ही कॉन्कर्ड कांगड़ा ड्यूरिंग हिज एक्सपीडिशन। तो सुल्तान जो थे भैया उन्होंने कश्मीर के आसपास पाकिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान के रीजन्स को कैप्चर करने के बाद उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान करने की कोशिश करी कि भैया अब हमने ये एरिया तो पूरा कैप्चर कर लिया है, चलिए थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ चलते हैं। तो वो भैया दिल्ली को कब्जे में लेने की उनकी योजना में आर्मी लेकर के पहुंचे थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का एक कांगड़ा जिला जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि ओवरऑल सुल्तान शिहाबुद्दीन जो कि शाह मीर वंश से संबंध रखते थे, उनके कार्यकाल के दौरान बहुत ज्यादा एरिया को जो है वो कॉन्कर कर लिया गया था। आई होप हमको यहां तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों शाह मीर डायनेस्टी के बाद आई कश्मीर में चक डायनेस्टी, चक वंश। अब ये चक वंश कैसे आया? दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद गाजी शाह चक।
मोहम्मद गाजी शाह चक जो थे उन्होंने इस चक डायनेस्टी की स्थापना जो है वो करी थी। कब करी थी? 1555 एडी में। चक रूलर्स जो थे इन्होंने क्या किया, दे प्रिवेंटेड द अटेम्प्ट ऑफ मुगल रूलर्स लाइक बाबर एंड हिमायूं टू एनेक्स कश्मीर। मुगल राजवंश की हिंदुस्तान में जो है वो आगमन हो चुका था और बाबर और हिमायूं द्वारा कश्मीर को जो है वो कैप्चर करने की कोशिशों को चक राजवंश ने जो है वो नाकाम किया था। शुरुआत इसकी करी थी मोहम्मद गाजी शाह चक ने और याकूब शाह चक ये जो थे ही बिकेम द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर। तो चक डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे? याकूब शाह चक। ही ट्राइड टू रेजिस्ट द मुगल आर्मी बट वॉज डिफीटेड बाय आर्मी अंडर द कासिम खान एट हरिपुर। उन्होंने जिस तरह से चक डायनेस्टी ने बाबर और हिमायूं की आर्मीज को रोकने की कोशिश करी थी, याकूब शाह चक ने भी कोशिश करी, मगर इस बार कासिम खान के नेतृत्व में चक डायनेस्टी के राजा याकूब शाह चक जो है वो मुगल आर्मी को, मुगल शासकों की सेनाओं को नहीं रोक पाए और अल्टीमेटली 1587 एडी में मुगल रूल जो है, मुगल शासन की स्थापना जो है वो कश्मीर के अंदर हो चुकी थी। तो भैया जी, मुगल रूल की स्थापना जो है वो कश्मीर के अंदर हो चुकी थी। कहां से हमने शुरुआत करी थी? उत्पाला डायनेस्टी से शुरू होकर के, उत्पाला के बाद ब्राह्मणिक रूल आया, ब्राह्मणिक रूल के बाद गुप्ता पीरियड आया, गुप्ता पीरियड के बाद लोहारा डायनेस्टी आई, लोहारा डायनेस्टी के बाद हमने देखा शामीर डायनेस्टी आई, शामीर के बाद चक डायनेस्टी आई और अल्टीमेटली मुगल रूल जो है, मुगल शासन काल जो है वो कश्मीर के अंदर स्थापित जो है वो हो चुका था। मुगल रूल के दौरान अलग अलग राजा तो जो थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर कुछ मुख्य भूमिका निभाई, उनमें शामिल थे सबसे पहले अकबर। After acquiring the reign of Kashmir in 1587, तो बाबर और हिमायूं जो है वो कश्मीर को नहीं हासिल कर पाए थे, मगर अकबर ने जो है वो याकूब शाह मीर को हरा करके, याकूब शाह चक को हरा करके कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया था और कश्मीर एनेक्स द थ्रोन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के ऊपर कब्जा करते ही उन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया? अकबर असाइंड द टास्क टू मेक अ रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द वैली टू राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन थे? राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के कार्यकाल में राजस्व मंत्री थे, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो भैया रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल को अकबर ने कहा कि भैया रेवेन्यू सेटलमेंट जो है उसकी शुरुआत कीजिए। रेवेन्यू सेटलमेंट यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, ये उन्होंने कश्मीर के अंदर सबसे पहले किसने किया था? तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच मुगल रूलर स्टार्टेड द रेवेन्यू सेटलमेंट इन कश्मीर, तो हमें याद रखना है द मुगल रूलर वॉज अकबर। अकबर ने जो है वो रेवेन्यू सेटलमेंट शुरुआत करी थी कश्मीर के अंदर। 1590 में, 1590 अकबर बिल्ट दी हरी प्रभात फोर्ट इन श्रीनगर। श्रीनगर के अंदर एक हरी प्रभात या हरी पर्वत फोर्ट जो है वो मौजूद है। वो हरी पर्वत फोर्ट किसने बनवाया था? वो हरी पर्वत फोर्ट अकबर ने अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो बनाया था। कश्मीर वॉज वेरी फेमस अमंग मुगल्स ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। अपनी सुंदरता और शिल्प कौशल के कारण कश्मीर जो है वो मुगल शासकों में, मुगल साम्राज्य में या मुगल राजाओं के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो मुगल रूलर्स को बहुत ज्यादा पसंद था कश्मीर। हम आगे देखेंगे अलग अलग मुगल रूलर्स ने कश्मीर के अंदर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स और अलग अलग चीजें जो है वो बनवाई थी। तो सबसे पहला मुगल रूल में अकबर का रूल जो है वो कश्मीर के अंदर हुआ था और उन्होंने कश्मीर के अंदर क्या क्या बदलाव किए वो हमने देखे थे। फिर हम आगे बढ़े अकबर के बाद जहांगीर जो थे ही बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ जहांगीर इन 1605 एडी। उन्होंने अपने शासन काल में 13 दफा कश्मीर का दौरा किया। ही विजिटेड कश्मीर 13 टाइम्स ड्यूरिंग हिज रेन और ड्यूरिंग हिज रूल। ही वॉज एन आर्ट लवर, भैया वो एक कला प्रेमी थे और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध फेमस गार्डन्स है, आप में से अगर कोई व्यक्ति कश्मीर गया होगा या उसने सुना होगा तो भैया कश्मीर के सर्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध निशात बाग और शालीमार बाग जो है वो किसने बनवाए थे? जहांगीर ने। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा भी कभी पूछा जा सकता है। तो वी हैव टू रिमेंबर कि निशात गार्डन और शालीमार बाग जो है वो किसने बनवाए थे? दे वर बिल्ट बाय द मुगल एम्परर जहांगीर। क्यों? क्योंकि भैया उनको कश्मीर जो है वो बहुत ही, उसकी सुंदरता जो है वो भा गई थी। कश्मीर के अंदर जहांगीर के बाद शाहजहां का रूल आया। 1728 में शाहजहां जो है उन्होंने कश्मीर का राजपाट जो है संभाला। ही वाज अगेन अ आर्ट लवर, वो भी एक कला प्रेमी थे और इन्होंने चश्मे शाही गार्डन बनवाया था। निशात गार्डन और शालीमार गार्डन बनवाया था जहांगीर ने, चश्मे शाही गार्डन बनवाया था शाहजहां ने। उन्होंने अपने गवर्नर अली मर्दान खान द्वारा 1732 में
कश्मीर के अंदर चश्मे शाही बाग, चश्मे शाही गार्डन जो है वो बनवाया था। यानी कि ओवरऑल कश्मीर के अंदर मुगल रूलर्स ने बहुत सारी विश्व प्रसिद्ध चीजें जो है वो बनवाई थी। आज भी कश्मीर का निशात गार्डन, शालीमार बाग और चश्मे शाही गार्डन जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो भैया जी, ये था पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री कश्मीर का। मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो कश्मीर की मेडिवल हिस्ट्री थी उसकी शुरुआत हुई थी उत्पाला डायनेस्टी से। उत्पाला डायनेस्टी के बाद आया था ब्राह्मिनिक रूल, ब्राह्मिनिक रूल के बाद आया था गुप्ता रूल, गुप्ता रूल के बाद आया था लोहारा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी के बाद आई थी देव डायनेस्टी, देव डायनेस्टी के बाद शाहमीर डायनेस्टी, शाहमीर डायनेस्टी के बाद चक डायनेस्टी और चक डायनेस्टी के बाद मुगल रूल जो है, मुगल शासन जो है वो कश्मीर के अंदर उसकी स्थापना हो गई थी। अकबर ने जो है वो कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था और कश्मीर के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बेहतरीन चीजें जो है वो मुगल शासन काल में बनी। जैसे कि जहांगीर के दौर में निशात गार्डन और शालीमार बाग कश्मीर में बना, वहीं शाहजहां के दौर में चश्मे शाही गार्डन जो है वो कश्मीर के अंदर बना था। तो दीज वर दी बेसिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मध्यकाल के इतिहास की ये कुछ जरूरी चीजें थी। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों आपको याद होगा अगर आपने पिछली मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं, तो भैया जो हमारा मिडिवल हिस्ट्री था, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास था, उसका अंत हो गया था जब मुगल शासन काल जो है वो कश्मीर के अंदर स्थापित हो गया था। मुगल रूलर्स अकबर ने जो है वो मुगल शासन काल कश्मीर के अंदर स्थापित किया था। अकबर के शासन काल के साथ ही मुगल शासन की शुरुआत कश्मीर के अंदर हो गई थी और उसी के साथ में हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री है कश्मीर का वो एंड हो जाता है। उसके बाद शुरुआत हुई मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बात करती है लेटर मुगल रूलर्स, यानी कि लेटर मुगल रूलर्स हम जानते हैं औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक थे उनको लेटर मुगल रूलर्स हम मानते हैं। तो भैया क्या हुआ कि औरंगजेब और उनके बाद के शासक जो हैं उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा लूटपाट करी और धार्मिक असहनशुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो कश्मीर के अंदर दिखाना शुरू करी। किसने? औरंगजेब और उनके बाद के शासकों ने या लेटर मुगल रूलर्स ने। तो भैया मिडिवल हिस्ट्री के एंड में, मध्यकालीन इतिहास के अंत में हमने देखा था कि कश्मीर के अंदर मुगल शासन काल जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी और कश्मीर के अंदर मुगल शासन काल जो है उसका जब लेटर मुगल रूल आया, यानी कि औरंगजेब के बाद के शासक जो है वो कश्मीर के अंदर जब आए उन्होंने बहुत ज्यादा लूटपाट और धार्मिक असहनशीलता जो है वो लोगों के प्रति दिखाना शुरू कर दी। यानी कि लोग जो है वो लेटर मुगल रूलर से परेशान हो चुके थे। अब भैया परेशानी में क्या हुआ, दो कश्मीरी नौजवान, दो कश्मीर के बाशिंदे जिनका नाम था मीरी मुकिम कांत और ख्वाजा जाहिर दिदमरी, ये दो कश्मीरी बाशिंदे थे, कश्मीर के निवासी थे, कश्मीर के रहने वाले थे। भैया बहुत ज्यादा परेशान थे मुगल शासकों के अत्याचार से, तो इन्होंने एक फैसला लिया, ये कश्मीर से चलकर पहुंचे कहां, लाहौर। लाहौर जाकर के इन्होंने अहमद शाह अब्दाली जो थे, जो कि लाहौर पर कब्जा करके बैठे थे, उनके पास गए और उनको लाहौर जाकर के कहा कि अब्दाली जी ऐसा है कश्मीर के अंदर मुगल शासकों द्वारा बहुत सारे अत्याचार जो है वो किए जा रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आकर के कश्मीर को जो है वो मुगल शासकों से आजाद करवाइए। यानी कि अपने राजा के कार्यकाल से परेशान होकर के ये दो कश्मीरी नौजवान मीर मुकुम कांत और ख्वाजा जाहिर दिदमरी जो है वो लाहौर पहुंचे और अहमद शाह अब्दाली को बुला करके कश्मीर लाए कि आकर के कश्मीर पर कब्जा कीजिए और मुगल शासन काल से हमें निजात जो है वो दिलवाइए। कश्मीर पहुंचे भैया अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने मुगल शासन काल को जो है वो खत्म किया और इसी के साथ अफगान रूल की स्थापना जो है वो कश्मीर में हो गई। 1752 से लेकर 1819 तक कश्मीर के अंदर अफगान रूल जो है वो उसकी स्थापना हो गई। कहां से शुरू हुआ था अफगान रूल? अहमद शाह अब्दाली से अफगान रूल की स्थापना जो है वो कश्मीर के अंदर हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि भैया जो लेटर मुगल रूलर्स थे, औरंगजेब के बाद के जो शासक थे, उन लोगों ने कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार जो है वो करना शुरू किए थे, जिनसे परेशान होकर के दो कश्मीर के बाशिंदों ने, मीरी मुकिम कांत और ख्वाजा जाहिर दिदमरी ने, अहमद शाह अब्दाली को कश्मीर पे कब्जा करने के लिए बुला लिया। भैया अफगान रूल की स्थापना हो गई, लेकिन क्या हुआ, अफगान रूल जो 1752 से लेकर 1819 तक रहा, ये जो 67 ईयर्स थे, ये जो 67 वर्ष थे अफगान शासन काल के, ये भैया इट रिमेन्ड द डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर। कश्मीर का सबसे काला शासन काल इसे कहा जाता है। क्यों?
बे इंतहा अत्याचार, हद से ज्यादा ऑपरेशन, हद से ज्यादा एट्रोसिटीज जो है, क्रूरता जो है वो लोगों के प्रति दिखाई जाने लगी। द रूलर्स एंड देयर गवर्नर्स, शासकों ने और उनके गवर्नर्स, राज्यपाल या सूबेदारों ने लोगों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूरता जो है वो दिखाना शुरू कर दी। यानी कि भैया जी, पहले मुगल शासकों से परेशान थे तो अहमद शाह अब्दाली को बुला करके लेके आए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली और अफगान शासकों ने बहुत ज्यादा क्रूरता जो है वो लोगों के प्रति दिखाना शुरू कर दी। अब क्या किया जाए भैया, वही चीज दोबारा से रिपीट हुई। पहले मुगल शासकों से परेशान होकर के दो लोग लाहौर गए थे, अब अफगान शासकों से परेशान होकर दो कश्मीरी पंडित, जिनका नाम था मीर बीरबल धर और राजा काकधर, बीरबल धर और राजा काकधर जो थे, सेम हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एंड टू कश्मीरी पंडित बीरबल धर एंड राजा काकधर, इन्होंने क्या फैसला किया, इन्होंने कहा कि हम भी अफगान शासन काल से इस कश्मीर को आजाद दिलाने के लिए कुछ करते हैं। और ये लोग वापस कहां पहुंचे, लाहौर में। पहले मुगल शासकों से बचने के लिए दो व्यक्ति लाहौर गए थे और अहमद शाह अब्दाली को बुला करके लेके आए थे, अब ये दो कश्मीरी पंडित बीरबल धर और राजा काकधर जो हैं, ये गए लाहौर और इन्होंने लाहौर जाकर के, उस समय लाहौर के अंदर शासन किसका था भैया, लाहौर के अंदर शासन था महाराजा रंजीत सिंह का। महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि महाराजा जी, ऐसा है कश्मीर के अंदर अफगान शासकों द्वारा बहुत ज्यादा क्रूरता जो है वो दिखाई जा रही है, तो आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि आप कश्मीर पर कब्जा कर लीजिए और इन अफगान शासकों की क्रूरता से हमें बचाइए। यानी कि दे इनवाइटेड महाराजा रंजीत सिंह टू कैप्चर कश्मीर। ठीक है भैया, महाराजा रंजीत सिंह मान गए एंड ही सेंट द आर्मी ऑफ 30,000 सिख सोल्जियर्स इन 1819। 1819 में उन्होंने 30,000 सिख सैनिकों को कश्मीर के अंदर भेजा और अफगान शासकों को हराकर, अफगान रूलर्स को परास्त करके कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा जो है वो कर लिया था। यानी कि मुस्लिम जो मुगल रूलर्स थे, मुगल रूलर्स के बाद अफगान रूलर्स आए और अब अफगान रूलर्स के बाद सिख साम्राज्य जो है वो कश्मीर के अंदर स्थापित हो चुका था। यानी कि अब थोड़ी सी सिचुएशन शायद बेहतर होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, सिख रूल जो है वो 1819 से लेकर 1846 तक कश्मीर के अंदर रहा। प्रॉब्लम क्या थी भैया, कश्मीर को ऊपर रूल था सिख साम्राज्य का और सिख साम्राज्य का जो राज पार्ट था वो लाहौर से चलता था। ज्योग्राफिकली थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा नहीं काफी डिस्टेंस है कश्मीर और लाहौर के बीच में, यानी कि कई सौ किलोमीटर दूर बैठ करके कश्मीर का राज पार्ट जो है वो चलाया जा रहा था। भैया वो दौर तो था नहीं कि भैया वीडियो कॉल कर लेंगे, फोन कर लेंगे, व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे वहां क्या चल रहा है। यानी कि फिजिकल आउटरीच से बहुत दूर एक एरिया पर सिख रूलर्स जो है वो राज कर रहे थे, कोई ज्यादा सुध नहीं लेता था कश्मीर के लोगों की। तो कश्मीर का राजपाट जो है वो सिख शासकों ने अपने गवर्नर्स द्वारा जो है वो चलाया, तो भैया गवर्नर्स को भेज दिया जाता था कि तुम बेटा जाकर के, तुम गवर्नर साहब जाकर के कश्मीर का राजपाट देखो क्या चल रहा है, वहां पे कैसा चल रहा है। तो सिख रूलर्स जो है दे रूल्ड कश्मीर थ्रू देयर गवर्नर्स, तो अलग अलग समय पर अलग अलग गवर्नर्स जो है वो आते रहे। फर्स्ट सच गवर्नर वॉज दीवान मोती राम, एन इंपॉर्टेंट नेम भैया, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द सिख रूल। तो सिख साम्राज्य के दौरान जो सबसे पहले गवर्नर थे कश्मीर के, उनका नाम था दीवान मोती राम। दीवान मोती राम जो थे वो कौन थे, वो गवर्नर थे जिनको सिख साम्राज्य में सिख रूलर्स ने अपॉइंट करा था कश्मीर का राजपाट की देखरेख करने के लिए। वही बात भैया, सिटिंग सो फार, इतनी दूर बैठ करके जो शासक थे वो पूरा का पूरा ध्यान कश्मीर पर नहीं दे पाते थे, नहीं हो पाता भैया, इतनी दूर से कैसे पता चलेगा वहां क्या हो रहा है। अल्टीमेटली जब राजा ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था तो कश्मीर का जो इलाका था वो पूरा का पूरा निग्लेक्ट हो रहा था। यानी कि निग्लेक्ट ऑफ रूलर्स, एक तो राजा ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ऊपर से बार बार प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी। कब ये सब कब हो रहा था, ये हो रहा था सिख रूल में। भैया पहले अफगान रूल था, पहले मुगल शासक थे, उन्होंने कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करी, अत्याचार किए, उनसे बचने के लिए अफगान शासकों को बुलाया गया लेकिन उन्होंने और भी ज्यादा अत्याचार किए, तो कश्मीर के लोग ऑलरेडी परेशान थे। अफगान शासकों से बचने के लिए सिख साम्राज्य की स्थापना करवाई गई,
गई, मगर सिख साम्राज्य में एज इन अत्याचार एट्रोसिटीज तो नहीं हुई, लेकिन कंप्लीट निगलेक्ट जो था वो कश्मीर के ऊपर रहा, जिस कारण से एक तो राजा ध्यान नहीं देते थे, उसके ऊपर बार बार प्राकृतिक आपदाएं जो है वो कश्मीर के अंदर आ रही थी, जिन्होंने कश्मीर के लोगों को बुरे तरीके से निचोड़ करके रख दिया था। बैक टू बैक पहले मुगल्स के एट्रोसिटीज, फिर अफगान्स के एट्रोसिटीज, उसके बाद निगलेक्ट ऑफ रूलर्स और नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि बुरे तरीके से कश्मीर जो है वो प्रभावित हो चुका था। अब ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, कश्मीर के अंदर ऑलरेडी सिचुएशन जो है वो खराब चल रही थी, इतने में 1839 में 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा रंजीत सिंह की जो है वो डेथ हो गई और उसी के साथ सिख साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ता चला गया। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ता चला गया। ये अपॉर्चुनिटी किसने देखी दोस्तों, 1839 ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर पहुंच चुकी थी और अलग अलग इलाकों पर अपना कब्जा जो है वो जमाने की शुरुआत कर चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया महाराजा रंजीत सिंह तो नहीं रहे और मुगल जो सिख साम्राज्य है वो कमजोर पड़ चुका है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का लाभ लेते हुए एंग्लो सिख वॉर में कश्मीर का इलाका और पूरा का पूरा सिख एम्पायर जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1845 से लेकर 1846 तक हुई। क्यों हुई? क्योंकि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद कश्मीर के अंदर और पूरे के पूरे सिख साम्राज्य के अंदर जो सिख रूल था, सिख शासन काल था, वो कमजोर पड़ गया था। मैंने आपको बताया कि कश्मीर के अंदर सिख साम्राज्य द्वारा रूल जो है वो किया जा रहा था अपने दीवानों के थ्रू। पहले दीवान थे दीवान मोतीराम और लास्ट दीवान जो थे सिख एम्पायर के कश्मीर में, उनका नाम था शेख इमाम उद्दीन। दिस कैन अगेन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले गवर्नर थे दीवान मोतीराम और लास्ट गवर्नर थे शेख इमाम उद्दीन। ये नाम हमको थोड़े से याद करने होंगे। भैया एंग्लो सिख वॉर जैसे ही हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा का पूरा सिख साम्राज्य कैप्चर कर लिया। भैया अब सिख साम्राज्य जब कैप्चर हो गया तो उसी सिख साम्राज्य का पार्ट था क्या कश्मीर, तो कश्मीर भी जो है वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। और इसी के साथ में एंग्लो सिख वॉर के साथ कश्मीर जो है उसके ऊपर राजपाट किसका स्थापित हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की। तो भैया मुगल शासकों के बाद अफगान शासक आए, अफगान शासकों के बाद सिख साम्राज्य आया और सिख साम्राज्य के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश रूल जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो दोस्तों ओवरव्यू में देखते हैं भैया, सबसे पहले मुगल रूल, मिडिवल हिस्ट्री के एंड में मुगल रूल की स्थापना हो चुकी थी। मुगल्स के बाद अफगान्स आए, अफगान्स ने बहुत सारी एट्रोसिटीज करी तो बुलाया गया सिख साम्राज्य को। सिख रूलर्स ने एट्रोसिटीज तो नहीं करी लेकिन निगलेक्ट कंप्लीटली लोगों का रहा। सिख साम्राज्य जैसे ही कमजोर पड़ा, एंग्लो सिख वॉर हुई और ब्रिटिश रूल जो है वो कश्मीर के अंदर स्थापित हो गया। किसके अंडर? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ब्रिटिश रूल जो है वो कश्मीर के अंदर अब आ चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही कब्जा किया, उनको शायद क्या वजह रही कि भैया उनको कश्मीर अपने पास रिटेन नहीं करना था या कुछ भी वजह थी, उन्होंने कश्मीर को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा। दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या था? महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में एक सेनापति, एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो है वो एक सेनापति हुआ करते थे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। तो महाराजा हरि सिंह की जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनकी आर्मी के एक आर्मी चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह जो थे वो उनको पूरा का पूरा कार्य का काल जो है वो सौंपा गया था आर्मी का, कि भैया जी महाराजा रंजीत सिंह की पूरी आर्मी को कश्मीर के अंदर गुलाब सिंह जो है वो हेड करते थे। और गुलाब सिंह को इसी वजह से महाराजा रंजीत सिंह ने जो है एक नाम, एक उपाधि दी थी राजा की, तो उनको राजा गुलाब सिंह के नाम से जाना जाता था। असल में वो कौन थे? वो सिख आर्मी चीफ थे। कौन सी आर्मी के? महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के। तो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के चीफ थे गुलाब सिंह, जिनको महाराजा रंजीत सिंह ने राजा की उपाधि दी थी। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने बुलाया किसको? गुलाब सिंह को, जो कि
कश्मीर की आर्मी के चीफ थे, उनको कहा कि भैया ऐसा है, हम तुम्हारे साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर करना चाहते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ, 16 मार्च 1846 को, 16 मार्च 1846 को कश्मीर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 75 लाख रुपीज में गुलाब सिंह जो थे उनको बेच दिया। यानी कि जो अभी तक कश्मीर की आर्मी के चीफ हुआ करते थे वो अब कश्मीर के राजा बन चुके थे। उनका नाम क्या था, गुलाब सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने उनको राजा गुलाब सिंह का नाम दिया था। यानी कि राजा गुलाब सिंह जो है वो अब कश्मीर के राजा बन चुके थे। और इसी के साथ में डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो गई थी। क्यों, क्योंकि जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा वंश से संबंध रखते थे। और इसी के साथ डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो कश्मीर के अंदर हो गई थी। दोस्तों एक बार फिर देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी थी, महाराजा रणजीत सिंह आर्मी, इनकी आर्मी के चीफ का नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो थे वो इनकी आर्मी के चीफ थे, जो कि डोगरा वंश से, डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दोस्तों डोगरा डायनेस्टी वो जो डोगरी भाषा का प्रयोग करती है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू रीजन है उसकी प्रमुख भाषा जो है वो डोगरी मानी जाती है। तो डोगरी भाषा बोलने वाले साम्राज्य डोगरा डायनेस्टी के से संबंध रखने वाले गुलाब सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के चीफ थे। और महाराजा रणजीत सिंह ने इनको उपाधि दे रखी थी राजा की। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई उससे पहले एंग्लो सिख वॉर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच में, जिसमें पूरा का पूरा सिख साम्राज्य जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर को अपने पास रखने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बुलाया इस व्यक्ति को जिनका नाम था क्या, राजा गुलाब सिंह, और उनसे कहा कि गुलाब सिंह जी, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि कश्मीर जो है वो आप अपने पास रख लें, इसके बदले में महाराजा या राजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपीज पे किए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 75 लाख रुपए में 16 मार्च को उन्होंने कश्मीर जो है वो खरीद लिया, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। भैया जब कश्मीर उन्होंने खरीदा, इसी के साथ में डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो हो गई। डोगरा डायनेस्टी के चार प्रमुख रूलर्स थे, चार मुख्य शासक थे डोगरा डायनेस्टी के। सबसे पहले जो शासक थे उनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। भैया ये वही गुलाब सिंह है जो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के चीफ हुआ करते थे। क्योंकि उन्होंने कश्मीर को खरीदा था तो सबसे पहले शासन काल में वही शासक बने जम्मू कश्मीर के। 1846 से लेकर 1857 तक जम्मू कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर महाराजा गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह के बाद गुलाब सिंह के सुपुत्र महाराजा रणबीर सिंह जो हैं वो गद्दी पर आकर के बैठे 1857 से 1885 तक। 1857 से 1885 तक जो जम्मू कश्मीर का शासन काल था वो महाराजा रणबीर सिंह के हाथों में रहा। महाराजा रणबीर सिंह के बाद आए महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह कौन थे, ये महाराजा रणबीर सिंह के सुपुत्र थे। 1885 से लेकर 1925 तक इन्होंने रूल किया, सबसे पहले गुलाब सिंह, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, और अंत में महाराजा हरि सिंह, जो कि राजा प्रताप सिंह के भतीजे थे। राजा प्रताप सिंह के भतीजे महाराजा हरि सिंह जो है उनको 1925 में जम्मू कश्मीर का शासन काल जो है वो सौंपा गया। 1925 से लेकर के 1947 तक, 1925 से 1947 तक रूल किसका रहा, रूल रहा महाराजा हरि सिंह का। दोस्तों ये 1947 कुछ जाना पहचाना सा साल लग रहा है, बिल्कुल भैया इस साल में हिंदुस्तान जो है वो आजाद हो गया था, हमें आजादी मिल चुकी थी, इंडिपेंडेंस जो है वो मिल चुका था। अब भैया इंडिपेंडेंस के बाद तो एक यूनिफाइड नेशन के रूप में हिंदुस्तान बनने वाला था, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो पार्टीशन हो गया 1947 का में हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान जो है वो दो मुल्कों में उसका बंटवारा हो गया, एक बना हिंदुस्तान एक बना पाकिस्तान। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय अलग अलग रीजन्स जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे, इनको कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाते थे, और साथ में थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी भैया, जहां पर किसी ना किसी साम्राज्य का शासन काल जो है वो मौजूद था। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में आ गए आपके बॉम्बे, मद्रास एटसेट्रा, और प्रिंसली स्टेट्स में आ गए जम्मू कश्मीर, क्यों, यहां पे भैया महाराजा हरि सिंह और डोगरा डायनेस्टी मौजूद थी, जूनागढ़,
हैदराबाद, तो दो अलग अलग रीजन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे कब, जब देश आजाद हुआ। अगर आपने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो लोगों को तीन ऑप्शंस दिए गए। किन लोगों को भैया? जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ये तो पूरे के पूरे इंडिया के साथ मिल गए, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो इंडिपेंडेंट रियासतें थी, जो स्वतंत्र रियासतें थी जहां पर किसी ना किसी साम्राज्य का शासनकाल चल रहा था, उनको तीन ऑप्शंस दिए गए। बोला भैया, एक आप इंडिया के साथ रहिए, दूसरा आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, तीसरा आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो तीन ऑप्शंस थे, सभी को ये तीन ऑप्शंस दिए गए। उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने फैसला लिया कि भैया ना वो इंडिया के साथ जाएंगे ना वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वो रहेंगे इंडिपेंडेंट। ये सब कब हुआ? ये सब हुआ पार्टीशन के टाइम पे। सो इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट डिवाइडेड इंडिया इनटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल हमने बात करी। तो सब बाकी सभी प्रिंसली स्टेट्स की तरह कश्मीर को भी तीन ऑप्शन दिए गए, बी विद इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। उस समय महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने फैसला किया वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। दोस्तों ये कहानी है अगस्त 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहेंगे। लेकिन तभी सितंबर के महीने में 1947 में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक अटैक जो है वो हो जाता है। कहां से? इसको कहा जाता है कि ट्राइबल अटैक, काबिली हमला। कहां से कहा? बताया गया कि भैया पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल लोगों ने, कुछ आदिवासी लोगों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। उस आदिवासी हमले में पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो शामिल थी। क्यों? वो चाहते थे जम्मू कश्मीर जो है उसको जोड़ करके पाकिस्तान में मिला लिया जाए। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर आज भी विश्व भर में अपनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। तो ऐसी सिचुएशन में भैया कोई भी चीज अगर बहुत खूबसूरत होती है तो हर व्यक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके साथ में जुड़ी रहे। तो पाकिस्तान की भी यही इंटेंशन थी कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। इंडिया ने तो उसको इंडिपेंडेंट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा था कि भैया वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो किसी के साथ भी जो है वो मिलकर के नहीं रहना चाहते। तो पाकिस्तान ने ट्राइबल अटैक किया या काबिली हमला जम्मू कश्मीर के ऊपर किया। भैया जम्मू कश्मीर एक छोटा सा राज्य था, जैसे ही ट्राइबल अटैक हुआ जम्मू कश्मीर को लगा, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लगा कि भैया जम्मू कश्मीर के लोगों की प्राणों को जो है वो खतरा है और पाकिस्तान का ये काबिली हमला जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुंचाएगा। दी ओनली ऑप्शन ही वॉज लेफ्ट विद, वो गए इंडिया के पास फॉर हेल्प। तो महाराजा हरि सिंह गए हिंदुस्तान के पास में, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भैया पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा हमला जो है वो जम्मू कश्मीर पे कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जो है वो खतरा है, तो मैं इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं भैया इस पाकिस्तान के हमले से हमको बचाइए। भैया क्या हुआ? जैसे ही ये अटैक हुआ, फॉलोइंग द ट्राइबल अटैक फ्रॉम पाकिस्तान, महाराजा हरि सिंह वेंट टू सीक हेल्प। वो इंडिया के पास गए, भैया मदद करो। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया जो है विल हेल्प जम्मू एंड कश्मीर टू गेट ओवर द अटैक फ्रॉम पाकिस्तान। बदले में जम्मू कश्मीर वुड बी एनेक्स्ड विद इंडिया। जम्मू कश्मीर जो अभी तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट था वो हिंदुस्तान का पार्ट जो है उसको बना दिया जाएगा। यानी कि दो कंडीशन सेट हुई। इंडिया ने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे और बदले में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने कहा कि अगर आप हमारी हेल्प करते हैं तो मैं जम्मू कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान का एक पार्ट बना दूंगा, उसे इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहने दूंगा। एज डिसाइडेड ये हुआ, इंडियन फोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के हमले को उन्होंने नाकाम कर दिया, जम्मू कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान के हमले से बचा लिया गया और बदले में जम्मू कश्मीर जो है उसको इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। दोस्तों इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर के जोड़ने को एक नाम दिया गया, उसका नाम था एक्सेशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर का विलय, एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का विलय। ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ था। हर साल 26 अक्टूबर जो है उसको जम्मू कश्मीर के अंदर विलय दिवस या एक्सेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो 2018 के JKAS प्री में जो है वो आ चुका है कि एक्सेशन डे है जो है वो कब मनाया जाता है। तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो एक्सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, विलय हुआ था, और 26 अक्टूबर को हर साल जो है वो जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाया जाता है। भैया
चीजें समझ में आ रही होंगी। आई होप के पहले एक इंडिपेंडेंट नेशन जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, अटैक से बचने के लिए उसने इंडिया से हेल्प मांगी, इंडिया ने हेल्प करी और बदले में वो पूरा का पूरा नेशन जो है वो इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंडीशंस रखी थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आप अपने साथ मिला तो लीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस आपको देना पड़ेगा। ये स्पेशल स्टेटस, ये कंडीशंस जो महाराजा हरि सिंह ने रखी थी, इनका एक बहुत फेमस नाम है, बहुत बार सुना होगा आपने, आर्टिकल 370। बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस, बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो जम्मू कश्मीर को दे दी गई। क्यों? क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने ये कंडीशन रखी थी और अल्टीमेटली उसको नाम दिया गया धारा 370। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिली हुई स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो भारत के संविधान में सम्मिलित हुई, इसी को आर्टिकल 370 जो है वो कहा जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, ट्राइबल अटैक हो गया पाकिस्तान से, इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू हेल्प एंड महाराजा हरि सिंह इन रिटर्न एग्रीड टू एक्सीड जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। ऐसा ही हुआ, कंडीशंस रखी गई महाराजा हरि सिंह द्वारा, उन कंडीशंस को नाम आर्टिकल 370 दिया गया। फाइनली 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय की संधि पे जो है वो साइन हुए और जम्मू कश्मीर जो है वो बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना, इसी के साथ में दिस मार्क्ड द एंड ऑफ डोगरा डायनेस्टी, यानी कि डोगरा डायनेस्टी का अंत जो है वो हो गया था जैसे ही जम्मू कश्मीर का विलय हुआ हिंदुस्तान के साथ में। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास जम्मू कश्मीर का। शुरुआत कहां से होती है? लेटर मुगल पीरियड से, औरंगजेब और उसके बाद के शासकों से, मुगल रूल से शुरुआत होती है। मुगल रूल के बाद अफगान रूल आता है, अफगान रूल से बचने के लिए सिख साम्राज्य आता है और सिख साम्राज्य को कमजोर पड़ता देख ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जम्मू कश्मीर का राजपाट जो है वो डोगरा डायनेस्टी को दे देती है और डोगरा डायनेस्टी 1947 में एक्सेशन के साथ ही डोगरा डायनेस्टी जो है वो एंड हो जाती है एंड जम्मू कश्मीर बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया। भैया ये है पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास जम्मू कश्मीर का। मैं उम्मीद करता हूं ये हमको समझ में आया होगा और हम इसके संबंधित कोई भी सवाल, दोस्तों मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन जो है बताता रहता हूं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो ये एक ओवरव्यू है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो। दोस्तों ये जस्ट ओवरव्यू है, हम बहुत डिटेल में एक एक चीज को ईयर बाय ईयर पढ़ेंगे, किस समय में क्या रूल हुआ, किस समय में क्या चीज हुई, ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता था पूरे के पूरे इतिहास का जम्मू कश्मीर के, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडिवल हो या मॉडर्न हो। तो दोस्तों हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू व कश्मीर की ऐतिहासिक समय रेखा के ऊपर, जम्मू और कश्मीर के इतिहास को हम अलग अलग पढ़ेंगे। दोस्तों हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एक मॉड्यूल में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यानी जम्मू का इतिहास और कश्मीर के इतिहास को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जम्मू के इतिहास की हम लोग बात करते हैं। एक मान्यता है, ऐसी एक मिथ जिसे कह सकते हैं कि वो है, या ऐसा कहा जाता है कि जो जम्मू है उसका नाम जो है वो जम्मू के एक राजा जम्भू लोचन, जो कि 14th सेंचुरी बीसी में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जम्मू के महाराजा थे, जम्मू के राजा थे जिनका नाम जम्भू लोचन था, उन्होंने इस इलाके का नाम जो है वो जम्मू रखा था। दोस्तों एक कहानी है जिसको मैं आपको सुनाऊंगा आगे चलकर, हम अभी इसमें इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जम्भू लोचन जो है वो जम्मू कश्मीर के राजा थे, जो जम्मू रीजन के इन पर्टिकुलर वो राजा थे। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में अलग अलग शासकों का राज जो है वो रहा है, तो जम्मू में जो है वो जम्भू लोचन राजा जो थे वो 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में मौजूद थे। एक बार राजा जम्भू लोचन जो है वो शिकार करने के लिए गए थे, तो जम्मू की फेमस तवी नदी जो है, तवी नदी के किनारे वो शिकार कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वहां पर एक बकरी और एक टाइगर, यानी कि एक बकरी और एक शेर जो है वो साथ में मिलकर के पानी पी रहे थे। ठीक है जी, तो बड़ा ही ज्यादा अचंभित हो गए भैया कि एक टाइगर और एक गोट जो है वो एक साथ में एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। भैया आप जानते हैं कि जो टाइगर है वो एकदम से बकरी जैसे जानवर को जो है वो खा जाता है, मगर इस तरीके का दृश्य उन्होंने देखा तो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तवी का वो किनारा जहां पर बकरी और एक शेर एक साथ में मिलकर के पानी पी रहे थे,
उस इलाके की जो है शांति देख के, उस इलाके का जो वो एक ऐसा उन्होंने दृश्य देखा जिससे प्रभावित होकर के जम्बू लोचन राजा ने उस इलाके को अपनी राजधानी बनाया और उस इलाके को नाम दिया जिसे आज हम जानते हैं जम्मू। ठीक है जी, तो जिस जम्मू को आज हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू प्रोविंस है, जम्मू का इलाका है, वो जम्बू लोचन राजा के नाम पे पड़ा था, ऐसी मान्यता है। दोस्तों ये आप दृश्य जो है वो देख पा रहे हैं, ये तवी नदी का किनारा, तवी नदी के किनारे पर स्थित ये एक छोटा सा पॉन्ड जहां पे एक टाइगर और एक ये गोट जो है वो एक साथ में पानी पीते हुए नजर आए। यहां पर राजा जम्बू लोचन का दृश्य जो है वो दिखाया गया है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग ये जो है जम्मू कश्मीर की है। तो भैया इस दृश्य से प्रभावित होकर के राजा जम्बू लोचन ने जम्मू को जो है वो अपनी राजधानी बनाने का जो है वो निर्णय लिया, और उस समय इस इलाके को जम्मू के नाम से नहीं जाना जाता था, जम्बू लोचन ने इस इलाके को अपनी राजधानी जो है वो बनाया और इसे जम्बू लोचन के नाम पर जम्बू नाम दिया गया, जो कि बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जम्बू से जम्मू जो है वो बन गया। तो ये बेसिक एक जो उसको कहते हैं मान्यता है कि किस तरीके से आज का जो जम्मू शहर है वो बनाया गया था। इसके बारे में हम एक धीरे धीरे करके हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो है वो पूरी की पूरी इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं तो वैदिक टाइम में या प्राचीन काल में, समवेयर अराउंड द टाइम ऑफ रामायण, जिस दौर में रामायण जो है वो लिखी गई थी, ऐसी मान्यता है कि अग्निबरन, अ डिसेंडेंट ऑफ कुश, द एल्डर सन ऑफ लॉर्ड लॉर्ड रामा, इज बिलीव टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू। रामायण काल के दौरान एक व्यक्ति, एक राजा जिसका नाम था अग्निबरन, जो कि भगवान राम के सुपुत्र, भगवान राम के सुपुत्र लव और कुश आपने सुना होगा, तो भगवान राम के जो बड़े सुपुत्र कुश है, उनके वंश से संबंध रखने वाले अग्निबरन जो हैं, उनको जम्मू का सबसे पहला राजा माना गया है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अग्निबरन और उनके भाई, अग्निबरन एंड हिज ब्रदर अग्निगर्भ, माइग्रेटेड फ्रॉम उपा देयर स्टेट इन अयोध्या टू कांगड़ा नागरकोट इन एसपी। तो भैया जी, भगवान राम के बड़े सुपुत्र कुश के वंशज जो हैं, दो भाई अग्निबरन और अग्निगर्भ जो हैं, वो उपा अयोध्या के पास उनकी जो स्टेट थी, जहां उनका शासन था, जहां उनका राज्य था, तो अयोध्या के वो अपने उस राज्य उपा से चल करके वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जिसे नागरकोट के नाम से जाना जाता था, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है जिसे नागरकोट के नाम से जाना जाता था, वो उपा अयोध्या से नागरकोट पहुंचे। दोस्तों अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है उसका काफी ज्यादा एरिया जम्मू कश्मीर के साथ टच करता है। तो भैया जी हिमाचल तक वो पहुंचे, वहां से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच में एक रावी नदी आती है। दोस्तों रावी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच में बहती है। इस रावी नदी को जो है वो क्रॉस करके, पार करते हुए वो नागरकोट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगर आपको पॉलिटिकल मैप का थोड़ा सा आइडिया है, तो जम्मू कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब और हिमाचल को टच करता है, तो भैया जो जम्मू कश्मीर का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ठीक है जी, तो राम, भगवान राम के सुपुत्र कुश के वंशज, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था अग्निबरन और अग्निगर्भ, अग्निबरन और अग्निगर्भ जो है वो दो भाई थे, ये दोनों उपा अयोध्या से चलकर के कांगड़ा नागरकोट पहुंचे, वहां से रावी नदी को पार करके, ये आज के कठुआ जिला का एक परोल इलाका है, परोल एक इलाका है कठुआ जिला में, इस परोल इलाके में जाकर के ये सेटल हुए। कौन? अग्निबरन और अग्निगर्भ, दो भाई जो कि भगवान राम के वंश से आते थे, ऐसी मान्यता है। दोस्तों ये आकर के वहां सेटल हुए। अग्निबरन के सुपुत्र थे वायुस्रवा, वायुस्रवा या वायुस्रवा जो है वो अग्निबरन के पुत्र थे, वो आकर के परोल में जो है वो बस गए, वहां से उन्होंने आसपास के इलाकों को कंकर जो है वो करना शुरू किया। दोस्तों ये जो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारा परोल का इलाका है, यहां से जो जम्मू रीजन है जिसे आज मॉडर्न डे जम्मू कहा जाता है, वो करीब 90 किलोमीटर दूर है। तो 90 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका था, वहां पर अग्निबरन के सुपुत्र वायु सर्वा ने जो है वो अपना कब्जा जो है जमा लिया, उस पूरे के पूरे इलाके को जीत लिया, यानी कि अपना वर्चस्व
वर्चस्व जो है वो अग्नि बरन के सुपुत्र वायु सर्वा ने स्थापित कर दिया। उस समय राजा जो थे वो अग्नि बरन थे, तो अग्नि बरन के सुपुत्र ने पूरे के पूरे इलाके को जिला कठुआ या उस समय के परोल से शुरू करके जम्मू तक, जम्मू का जो इलाका था वहां पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों ध्यान रखिए, अभी तक इलाके का नाम जम्मू नहीं पड़ा था, अभी आगे वो जो है वो इंसिडेंस होगा जिसकी मैंने डिस्कशन आपसे थोड़ी देर पहले करी थी, जिससे कि उस इलाके का नाम जम्मू जो है वो पड़ेगा। अग्नि गर्भ सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। दो भाई आए थे, अग्नि बरन और अग्नि गर्भ। अग्नि बरन के सुपुत्र वायु सर्वा ने काफी सारा इलाका जो है उसको अपने राज्य में शामिल किया, मगर कुछ समय बाद अग्नि बरन जो है उनकी मृत्यु हो गई। अग्नि बरन की मृत्यु के बाद उनके ही भाई अग्नि गर्भ जो है वो जम्मू कश्मीर के राजा बने। जम्मू के राजा जो है वो अग्नि गर्भ बने। अग्नि गर्भ के दो बेटे थे जिनका नाम था बाहुलोचन और जम्भुलोचन। जम्भुलोचन नाम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं, अभी बताया मैंने आपको। दोस्तों ये नाम याद रखिए, बाहुलोचन और जम्भुलोचन। दोस्तों इस बाहुलोचन के नाम पर पड़ेगा बाहु, बागे बहु सुना होगा, बाहु फोर्ट सुना होगा आपने जम्मू के अंदर। तो बाहु फोर्ट जो है वो बाहुलोचन द्वारा बनाया गया था और जम्भुलोचन द्वारा बनाया गया था पूरा का पूरा जम्मू शहर। इससे पहले जम्भू, फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जम्भू से जम्मू बन गया। तो दोबारा से एक बार देखते हैं, अयोध्या के पास ऊपा से चल करके भगवान राम के सुपुत्र कुश के वंशज अग्नि गर्भ और अग्नि बरन जो है वो पहले पहुंचे नागरकोट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। वहां से रावी नदी को पार करके वो पहुंचे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के परोल इलाके में। परोल इलाके को उन्होंने अपना जो है वो स्थान बना लिया। उस समय राजा थे अग्नि बरन, अग्नि बरन के पुत्र थे वायु सर्वा। वायु सर्वा ने आसपास के काफी सारे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। अग्नि बरन की मृत्यु हो गई और अग्नि बरन की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अग्नि गर्भ जो है वो जम्मू के राजा बन गए। अग्नि गर्भ के दो सुपुत्र थे बाहुलोचन और जम्भुलोचन। बाहुलोचन द एल्डर सन ऑफ अग्नि गर्भ सक्सीडेड हिम एंड फाउंडेड द टाउन ऑफ बाहु एंड कंस्ट्रक्टेड बाहु फोर्ट। बाहुलोचन जो है जो कि अग्नि गर्भ के बड़े बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद में राजपाट जो है संभाला, गद्दी जो है उसको संभाला और साथ ही साथ उन्होंने बाहु फोर्ट, बाहु के किले का भी निर्माण किया जो कि बाहुलोचन के नाम पर ही रखा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अग्नि बरन और अग्नि गर्भ दो भाई थे। अग्नि बरन जो है वो पहले राजा बने। अग्नि बरन की मृत्यु के बाद उनके भाई अग्नि गर्भ जो है वो राजा बने। अग्नि गर्भ के दो सुपुत्र थे बाहुलोचन और जम्भुलोचन, जिनमें से बाहुलोचन जो है वो बड़े थे। तो अग्नि गर्भ की मृत्यु के बाद बाहुलोचन जो है वो जम्मू के राजा बने और इन्होंने जम्मू के प्रसिद्ध बाहु फोर्ट या बाहु किले का जो है वो निर्माण करवाया था। तो जो बाहु फोर्ट या बाहु फोर्ट के साथ में बागे बहु जो जम्मू के अंदर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, वो उनका निर्माण जो है वो राजा बाहुलोचन द्वारा करवाया गया था। बाहुलोचन जो थे उन्होंने ही ट्राइड टू कॉन्कर टेरिटरीज ऑफ पंजाब फ्रॉम चंद्रहास। तो पंजाब के अंदर उस समय चंद्रहास नाम का राजा था, तो उन्होंने चंद्रहास से पंजाब के कुछ इलाकों को जो है वो जीतने की कोशिश करी, मगर इस दौरान बाहुलोचन जो है उनको मार गिराया गया। चंद्रहास द्वारा जो है बाहुलोचन को जो है वो बाहुलोचन की मृत्यु हो गई थी। बाहुलोचन जो है वो मारे गए थे, क्यों? क्योंकि उनकी कोशिश थी कि चंद्रहास राजा से पंजाब का कुछ इलाका जो है वो अपने आप में शामिल कर लिया जाए। तो भैया अग्निगर्भ के दो सुपुत्र थे बाहुलोचन, बाहुलोचन जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, वो जो पंजाब के एरियाज को कॉन्कर करते हुए उनको जो है वो मार दिया गया था। तो अब राजा बने अग्नि गर्भ के दूसरे सुपुत्र, क्या नाम था? बाहुलोचन और जम्भुलोचन। तो भैया अब दूसरे सुपुत्र जो है अग्नि गर्भ के वो राजा बने जम्मू के, उनका नाम था जम्भुलोचन। जम्भुलोचन एनेक्स्ड थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर बाहुलोचन। तो अपने भाई बाहुलोचन की मृत्यु के बाद जम्भुलोचन जो है वो राजा बने और राजा बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रहास जो पंजाब के शासक थे उनको मार गिराया। जम्भुलोचन किल्ड चंद्रहास। चंद्रहास कौन थे? जिन्होंने जम्भुलोचन के भाई बाहुलोचन को मार गिराया, ठीक है जी। तो जम्भुलोचन जो है वो राजा बने। दोस्तों ये वही जम्भुलोचन है जिनके नाम पर इस इलाके का नाम जम्मू पड़ा, जिन्होंने वो दृश्य देखा जहां पे एक गोट और टाइगर एक साथ तालाब में पानी पी रहे थे। In 1400 BC, once Jambulochan went on a hunt and crossed river Tavi, where he found a goat and a tiger drinking water from the same pond. वही चीज जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी कि भैया 1400 BC के दौरान
1400 ईसा पूर्व के दौरान जंबुलोचन जो है वो शिकार के लिए तवी नदी के किनारे पर जो है वो घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक तालाब में एक शेर और बकरी एक साथ में पानी जो है वो पी रहे हैं। तो इस दृश्य का काफी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं मनमोहक दृश्य या फिर काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग सा वो दृश्य था। भैया ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, शेर और बकरी एक साथ में जहां भी होंगे शेर बकरी को मार डालता है, मगर ऐसा नहीं था, दोनों वहां आराम से पानी पी रहे थे, जिस कारण से उन्हें लगा कि काफी अच्छी ये जगह है, काफी पीसफुल ये इलाका है। और उन्होंने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड, जंबुलोचन डिसाइडेड टू मेक दिस प्लेस एज द कैपिटल एंड दस द टाउन वॉज नेम्ड एज जम्मू। तो भैया जी, राजा जंबुलोचन के नाम पर इस शहर का नाम पहले जंबू पड़ा और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जंबू से जम्मू जो है वो बन गया। तो इस तरह से जंबू का नाम जो है वो जम्मू पड़ा। किसके दौरान? राजा जंबुलोचन के दौरान। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंबुलोचन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन पूरनकरण। जंबुलोचन जो है राजा के बाद उनके सुपुत्र पूरनकरण जो है वो आकर के राजा बने। बाहुलोचन डायनेस्टी रूल्ड ओवर जम्मू अप टू 1100 बीसी। करीब करीब जो 1200-1300 बीसी में जिसकी शुरुआत जो है हुई थी वो बाहुलोचन की डायनेस्टी। बाहुलोचन की डायनेस्टी की शुरुआत एक्चुअली अग्निबरन और अग्निगर्भ के से साथ ही जम्मू में शुरू हुई थी और वो डायनेस्टी जो है उसने करीब करीब 1100 ईसा पूर्व तक जो है वो राज किया था। कहां पर? जम्मू के अंदर। शिव प्रकाश वॉज द लास्ट किंग ऑफ जंबुलोचन डायनेस्टी। जंबुलोचन डायनेस्टी के सबसे आखिरी अंत, इस राजवंश के अंतिम राजा जो है वो राजा शिव प्रकाश थे। ठीक है जी, 1100 बीसी तक राजा शिव प्रकाश जो है उनका राज रहा। राजा शिव प्रकाश वॉज किल्ड बाय राजा शल ऑफ सियालकोट। सियालकोट जो कि आज पाकिस्तान में है, सियालकोट के राजा शल जो थे उन्होंने शिव प्रकाश को मार डाला था। और इसी के साथ ही जो बाहुलोचन डायनेस्टी थी उसका, बाहुलोचन राजवंश का अंत जम्मू कश्मीर में हो गया था। 1100 ईसवी की बात है, ईसा पूर्व की बात है ये। राजा शल कौन थे? राजा शल वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ पांडवाज। पांडवों के मामा थे कौन? राजा शल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामायण से इतिहास शुरू हुआ था, अब हम महाभारत को यहां इंक्लूड करने वाले हैं। राजा शल वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ पांडवाज। तो पांडवों के मामा जो थे वो थे राजा शल। राजा शल पांडवों के मामा थे एंड ही वॉज किल्ड इन महाभारता वॉर। शिव प्रकाश जो लास्ट रूलर थे बहुलोचन या लोचन डायनेस्टी के, उनको मारा था राजा शल ने। राजा शल जो थे वो पांडवों के मामा थे और महाभारत के युद्ध में राजा शल जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध में राजा शल जो है उनको मार दिया गया था। अब भैया जैसे ही राजा शल की मृत्यु हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा शल जम्मू वाज गवर्नड बाय बाबरू वाहन अर्जुन सन। दोस्तों पांडवों के मामा उस इलाके के राजा थे, मामा की मृत्यु हो गई और जम्मू के इलाके पर शासन करने लगे पांडवों के ही अर्जुन के सुपुत्र बाबरू वाहन। तो बाबरू वाहन जो है उनका शासन जो है यहां पर चला 1100 ईसा पूर्व 1100 बीसी से लेकर करीब 500 साल तक इन वंशजों ने यहां पर राज किया। पांडवों के वंशजों ने यहां राज किया 1600 बीसी 600 ईसा पूर्व तक, 1100 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक यहां पर जो है वो पांडवों के राजवंश का राज्य जो है वो चलता रहा। इन 600 बीसी ज्योति प्रकाश एंड सर्व प्रकाश कॉन्कर्ड जे एंड के एंड रूल्ड टिल 500 बीसी। 600 ईसा पूर्व में ज्योति प्रकाश और सर्व प्रकाश जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया और करीब 100 साल तक यानी 500 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल जो है वो रहा। इन 500 बीसी राजा बोध अर्जुन बिकेम द किंग ऑफ जम्मू। सर्व प्रकाश और ज्योति प्रकाश के बाद राजा बोध अर्जुन जो है वो बने जम्मू के राजा। और राजा बोध अर्जुन वॉज ग्रेट कॉन्करर एंड बिनोवलेंट रूलर ऑफ जम्मू। जम्मू के सबसे ज्यादा एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट कॉन्करर, तो राजा बोध अर्जुन जो थे वो जम्मू के एक महान विजेता और परोपकारी शासक भी थे, यानी कि काफी ज्यादा प्यार उनसे किया जाता था। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 326 बीसी या 326 बीसी या 326 ईसा पूर्व तक जो है वो राजा बोध अर्जुन का शासन जो है वो जम्मू में रहा। आगे चलकर 326 बीसी से राजा अजय सिंह, राजा बोध अर्जुन के बाद में राजा अजय सिंह आए, ही बिकेम द रूलर ऑफ जम्मू। 326 ईसा पूर्व में जम्मू के राजा बने अजय सिंह। दोस्तों ये राजा अजय सिंह कौन थे?
वॉज किंग पोरस सन इन लॉ, राजा पोरस जिसे राजा पुरु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एलेक्जेंडर के साथ में, एलेक्जेंडर दी ग्रेट के साथ में, सिकंदर के साथ में लड़ाई लड़ी थी, वही राजा पोरस। तो उस राजा पोरस के, पुरु राजा के जो है दामाद थे ये, कौन? राजा अजय सिंह। तो राजा पोरस के ये सन इन लॉ थे, दामाद थे। और जब राजा पुरु की लड़ाई हुई एलेक्जेंडर दी ग्रेट के साथ में, पुरु का जब युद्ध हुआ सिकंदर के साथ में, तो अपने ससुर का साथ देने के लिए अजय सिंह जो है उन्होंने एलेक्जेंडर के साथ में युद्ध लड़ा और इनकी, राजा अजय सिंह की वहां पर मृत्यु हो गई। सिकंदर के साथ, अब सिकंदर के खिलाफ अपने ससुर पोरस का साथ देते हुए राजा अजय सिंह जो कि जम्मू के शासक थे, उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। ठीक है जी, कब? अजय सिंह सन विजय सिंह एक्सेंडेड दी थ्रोन। तो भैया अजय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे विजय सिंह जो है उन्होंने जम्मू के सिंहासन को संभाला, वो आकर के जम्मू के सिंहासन पर बैठे। विजय सिंह के डिसेंडेड, विजय सिंह के वंशज थे राम गुप्ता। राम गुप्ता जो है वो एक शासक थे जम्मू के, विजय सिंह के वो जो है वो वंशज थे। और बिजॉय सिंह के वंशज राम गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध रामगढ़ फोर्ट जो है उसकी स्थापना की थी। रामगढ़ किले का निर्माण, बहुत सारे लोग अगर आप जम्मू से संबंध रखते हैं सुना होगा आपने रामगढ़ फोर्ट रियासी के बारे में। तो भैया रामगढ़ का जो किला है उसको राम गुप्ता ने बनाया था। ये राम गुप्ता कौन थे? ये राम गुप्ता राजा अजय सिंह के जो है वो वंशज थे। ये राजा अजय सिंह कौन थे? ये राजा अजय सिंह पुरु या पोरस किंग पोरस के जो है वो दामाद थे, जिन उन्होंने अपनी जान जो है वो गवा दी थी जब पोरस और सिकंदर का युद्ध हो रहा था। ठीक है जी, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है हु कंस्ट्रक्टेड द रामगढ़ फोर्ट ऑफ रियासी, तो भैया रामगढ़ फोर्ट जो है उसकी स्थापना या उसको बनवाया था राम गुप्ता ने। राम गुप्ता के नाम पर रामगढ़ जो है वो किला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद इन 50 BC राय डायनेस्टी ऑफ सियालकोट एनेक्स्ड जम्मू टू देयर किंगडम। 50 ईसा, 50वें ईसा पूर्व में राय डायनेस्टी, सियालकोट के राय वंश ने जो है वो जम्मू को अपनी राजधानी में शामिल कर लिया था। राय डायनेस्टी रूल्ड अप टू 430 ED। 50 ईसा पूर्व से लेकर के 430 ईस्वी तक जो है वो रूल रहा राय डायनेस्टी का। सूरजधर बिकेम दी रूलर ऑफ जम्मू आफ्टर राय डायनेस्टी। राय डायनेस्टी, राय वंश का जैसे ही अंत हुआ उसके बाद सूरजधर नाम के राजा जो है वो जम्मू के शासक बन गए। सूरजधर रेन फ्रॉम 430 AD टू 485 AD। तो हम 50 ईसा पूर्व से लेकर के फ्रॉम 50 BC टू 430 AD राय डायनेस्टी रूल्ड ओवर जम्मू। आफ्टर राय डायनेस्टी सूरजधर बिकेम द किंग ऑफ जम्मू। सूरजधर रेन फ्रॉम 430 AD टू 485। 430 ईस्वी से लेकर के 485 ईस्वी तक, यानी कि करीब 55 साल तक सूरजधर ने जो है यहां पर शासन किया। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर 400 ईयर्स। इस डायनेस्टी ने 400 साल तक राज किया। तो 430 में सूरजधर द्वारा शुरू की गई ये डायनेस्टी जो है 830 AD तक, 830 ईसवी तक जो है इन्होंने जम्मू में राज किया। इन 830 AD, 830 ईसवी में अ मर्चेंट नेम्ड नरवाहना, एक व्यापारी जिनका नाम नरवाहना था, फाउंडेड लोहारा स्टेट, अ विलेज इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। भैया जी 830 AD, 830 ईसवी में एक मर्चेंट, एक व्यापारी जिसका नाम नरवाहना था, उन्होंने आज प्रेजेंट डे जम्मू के अंदर एक गांव पड़ता है लोहारा, तो लोहारा राज्य की स्थापना करी थी किसने? नरवाहना ने। नरवाहनाज किंगडम स्प्रेड वेल बियॉन्ड टूडेज पुंछ डिस्ट्रिक्ट। आज जो जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला है, जम्मू से लेकर के पुंछ तक का जो इलाका है वो सारा का सारा नरवाहना किंगडम के अंतर्गत आता था। नरवाहना किंगडम का वो हिस्सा था। तो नरवाहना किंगडम जो है वो कब आए थे? जब सूरजधर की डायनेस्टी 830 AD में खत्म हुई थी, उसके बाद नरवाहना जो है वो एक व्यापारी थे, उन्होंने अपना शासन काल जो है वो लोहारा डायनेस्टी के रूप में वहां पर स्टार्ट किया था। नरवाहना जो थे उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनके कश्मीर के शासकों के साथ नरवाहना के कुछ टकराव चल रहे थे, जिस कारण से शंकर वर्मन ऑफ कश्मीर जो हैं, कश्मीर के शासक शंकर वर्मन ने 890 ईस्वी में इन्होंने नरवाहना को जो है वो मार गिराया था। दोस्तों एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का। कहां से शुरुआत हुई थी भैया? इसकी शुरुआत हुई थी अग्निबरण और अग्निगर्भ से। अग्निबरण और अग्निगर्भ जो कि भगवान राम के सुपुत्र कुश के वंशज थे, दो भाई आकर के
उपा अयोध्या के पास से चलकर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जिसे नागरकोट कहा जाता था वहां पहुंचे थे। वहां पर रावी नदी को पार करके ये जम्मू के जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में परोल का एक इलाका है वहां तक आए थे। परोल में इन्होंने अपना जो है राज्य वो स्थापित किया था। अग्निबरन के सुपुत्र वायु सर्वा ने जो है आसपास के काफी इलाके पे कब्जा कर लिया था। अग्निबरन की मृत्यु के बाद उनके भाई अग्निगर्व जो है वो शासक बने। उनके दो सुपुत्र थे जंबुलोचन और बाहुलोचन। पहले बड़े सुपुत्र बाहुलोचन जो है वो राजा बने जम्मू के, जिन्होंने बाहु फोर्ट और बागे बहु जैसे प्रसिद्ध स्मारक जो है वो जम्मू में बनाए। बाहुलोचन ने कोशिश करी कि जम्मू के साथ लगते पंजाब के कुछ इलाकों को अपने साथ शामिल कर लिया जाए, मगर पंजाब के शासक चंद्रहास ने उन्हें मार गिराया। उसके बाद राजा बने जंबुलोचन, जो कि बाहुलोचन के छोटे भाई थे। जंबुलोचन ने राजा बनते ही सबसे पहले चंद्रहास को मार गिराया अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए। जंबुलोचन जो है इन्हीं के नाम पर इस इलाके का नाम जम्मू पड़ा था। कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों पड़ा था, इन्होंने जम्मू को अपनी राजधानी बनाया। जंबुलोचन के बाद जम्मू के राजा बने पूरनकरण। बाहुलोचन या लोचन डायनेस्टी जो है वो 1100 BC तक जो है उन्होंने राज किया। शिव प्रकाश जो थे वो जंबुलोचन के आखिरी शासक थे। शिव प्रकाश को राजा शल ऑफ सियालकोट, सियालकोट के राजा शल ने जो है वो शिव प्रकाश को मार डाला था। ये जो राजा शल थे ये पांडवों के मामा थे और महाभारत युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो युद्ध लड़ते लड़ते जब महाभारत के युद्ध में राजा शल की मृत्यु हो गई तो जम्मू का जो राजपाट है वो पांडवों के सुपुत्र अर्जुन, जो अर्जुन थे पांडवों में अर्जुन थे, उन अर्जुन के सुपुत्र बबरू वाहन ने जम्मू को जो है वो संभाला, जम्मू के शासक बने। और उनके वंशजों ने करीब करीब 500 साल तक जम्मू के ऊपर राज किया। 600 BC में सूर्य प्रकाश, सर्व प्रकाश और ज्योति प्रकाश ने जो है वो जम्मू को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 100 साल तक सर्व प्रकाश और ज्योति प्रकाश ने राज किया। 500 या 500 BC में राजा बोध अर्जुन जो है वो जम्मू के शासक बने। काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, लोगों ने काफी ज्यादा उनको पसंद किया। 326 BC तक उन्होंने रूल किया। 326 BC में राजा अजय सिंह जो है उन्होंने जम्मू का शासन जो है वो संभाला। राजा अजय सिंह जो थे वो पोरस के दामाद थे। पोरस जिसने सिकंदर के साथ में लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर के साथ युद्ध लड़ते हुए पोरस के दामाद सानिन लॉ जो कि जम्मू के राजा भी थे, राजा अजय सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जम्मू को संभाला था अजय सिंह, राजा अजय सिंह के सुपुत्र बिजॉय सिंह ने। बिजॉय सिंह के वंशज थे राम गुप्ता, जिन्होंने जम्मू के प्रसिद्ध रामगढ़ किला जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है उसका निर्माण करवाया था। इन 50 BC 50 ईस्वी में राय डायनेस्टी ने जम्मू को जो है वो अपने अंदर शामिल कर लिया था। करीब करीब 430 AD यानी कि करीब 480 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 500 साल तक इस राय डायनेस्टी ने जम्मू के ऊपर रूल किया था। सूरजधर बिकेम दी रूलर ऑफ जम्मू आफ्टर राय डायनेस्टी। राय डायनेस्टी के बाद सूरजधर जो थे वो जम्मू के शासक बने थे। और उसके बाद सूरजधर जो है उन्होंने 55 साल तक राज किया। उसके बाद उनके वंशजों ने 830 AD तक जम्मू को जो है वो रूल करा। 830 AD में एक व्यापारी नरवाहना जिनका नाम था, उन्होंने जम्मू को जो है अपने कब्जे में ले लिया और लोहारा स्टेट, जम्मू आज प्रेजेंट डे जम्मू का एक गांव है लोहारा, वो उसकी स्थापना की थी। नरवाहना की जो किंगडम थी, नरवाहना का जो साम्राज्य था वो आज प्रेजेंट डे पुंछ जिला है एक जम्मू के पास में, वहां तक फैला हुआ था। लेकिन नरवाहना के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ टकराव थे। किसके साथ इनके टकराव थे? कश्मीर के शासकों के साथ, जिस वजह से कश्मीर के शंकर वर्मन ने जो है इनको मार डाला था 1890 AD में। दोस्तों यहां तक हमने जो है 1890 AD तक हमने जम्मू का इतिहास जो है वो देखा है, काफी प्राचीन काल रामायणिक टाइम से शुरू होकर के 890 AD तक जम्मू का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो जम्मू के इतिहास को हमने जो है वो कुछ इस पोर्शन को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, अब बाकी चीजों को हम जो है वो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने बात करी थी 1125 AD तक। उसके बाद 1125 AD के बाद क्या हुआ दोस्तों, इन 1125 AD देव डायनेस्टी बिगेन इन जम्मू। तो जो जम्मू क्षेत्र है उसमें देव राजवंश की शुरुआत जो है वो 1125 ईस्वी में हो गई थी। सूर्यदेव जो थे वो इस देव राजवंश के सबसे पहले राजा थे। तो सूर्यदेव जो है वो इस वंश के सबसे पहले राजा बने। देव डायनेस्टी रूल्ड टिल 1816 AD। 1125 से इसकी शुरुआत हुई और 1816 तक राजवंश जो था वो देव राज का चला, जो देव राज वंश था जिसे देव डायनेस्टी कहते हैं।
उसका शासनकाल जो है वो जम्मू के अंदर रहा, यानी कि करीब करीब अगर हम देखें तो 700-750 साल तक जो है वो शासनकाल इस देव डायनेस्टी का जम्मू में रहा। 1816 पे हम पहुंच गए थे दोस्तों, 1816 और 1819 के बीच में काफी सारे बदलाव हुए। मेजर चेंज जो आया वो आया 1819 में। इन 1819 एडी महाराजा रंजीत सिंह, दोस्तों जब हम कश्मीर का इतिहास है, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पहले मुगल शासकों से परेशान होकर के जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने अफगान शासकों को बुलाया था, फिर अफगान शासकों से परेशान होकर के महाराजा रंजीत सिंह को जाकर के लाहौर से लेकर के आए थे जम्मू कश्मीर पर शासन करने के लिए। तो 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी अंडर द कमांडर इन चीफ गुलाब सिंह, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुलाब सिंह, विच विल इवेंचुअली दिस नेम यू विल रिमेंबर थ्रू आउट द entire history of Jammu and Kashmir, Gulab Singh who will eventually become Maharaja Gulab Singh and with whom the Dogra dynasty will start in Jammu and Kashmir, Dogra samrajya ki sthapna karenge aage chalkar, Gulab Singh se Maharaja Gulab Singh banenge, to bahut hi zyada important naam jo hai ye Jammu Kashmir ki history mein rehne wala hai। 1819 शासन काल महाराजा रंजीत सिंह का, सिख साम्राज्य लाहौर में, लाहौर से एक आर्मी महाराजा रंजीत सिंह की चलती है जिसके कमांडर इन चीफ हैं, जिसके सेनापति जिन्हें कहा जाता है, कौन है, गुलाब सिंह, उन्होंने जम्मू पर कब्जा कर लिया। तो 1819 में महाराजा रंजीत सिंह का शासनकाल जो है वो जम्मू में स्थापित हो गया। महाराजा रंजीत सिंह का रियासत कहां से चलती थी, लाहौर से, जम्मू से लाहौर की दूरी काफी ज्यादा थी, तो राजा का जो थ्रोन ऑफ किंग थी दैट वॉज इन लाहौर, राजा जो थे महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो लाहौर में बैठते थे, उनका शासनकाल जम्मू के अंदर चलाते थे महाराजा के दीवान। तो जो सिख साम्राज्य की स्थापना हुई जो जम्मू कश्मीर के अंदर, उस साम्राज्य की देखरेख जो है वो दीवानों द्वारा की जाने लगी। सिख रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड J&K वॉज रूल्ड बाय दीवान मोतीराम। सबसे पहले दीवान बने थे सिख साम्राज्य में दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम क्यों बनाए गए थे, क्योंकि भैया महाराजा रंजीत सिंह और राजा का शासनकाल, राजा की राजधानी लाहौर थी, लाहौर से जम्मू को शासन करना, जम्मू कश्मीर का शासन करना आसान नहीं था। भैया 1819 की बात हो रही है, वीडियो कॉल, जूम, व्हाट्सएप नहीं था कि वहां से राजा देख सकते थे। एक अपना, जिसको हम कहते हैं नुमाइंदा, एक नॉमिनी जो है वो वहां पर बिठाने की जरूरत थी। इस वजह से दीवानों द्वारा जो है वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का शासनकाल किया महाराजा रंजीत सिंह ने। सबसे पहले दीवान मोतीराम थे। दीवान मोतीराम के बाद 9 अन्य दीवान आए, कब तक, जब तक सिख साम्राज्य का शासनकाल रहा जम्मू कश्मीर में। 1819 में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कमांडर इन चीफ कौन थे, कमांडर इन चीफ गुलाब सिंह थे, जो कि हर गुजरते हुए साल के साथ में महाराजा रंजीत सिंह की नजरों में जिनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा था। 1820 AD महाराजा रंजीत सिंह गेव द टेरिटरी ऑफ जम्मू टू गुलाब सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू का जो क्षेत्र था वो गुलाब सिंह को संभालने को दे दिया कि भैया इसकी देखरेख तुम करोगे। थ्रोन ट्रांसफर नहीं की थी, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अपॉइंट ही कर दिया था कि भैया ये इलाका जो है इसकी देखरेख तुम करोगे। 1819 में उन्होंने जो है वो स्थापित किया था सिख साम्राज्य जम्मू कश्मीर के अंदर। 1820 में महाराजा ने उनको टेरिटरी जम्मू की जो है वो दे दी। 1822 महाराजा रंजीत सिंह ऑनर्ड गुलाब सिंह विद द टाइटल राजा ऑफ जम्मू। 1822 महाराजा रंजीत सिंह ने एक उपाधि, एक टाइटल जो है वो गुलाब सिंह को दे दिया था। अब वो राजा कहलाते थे जम्मू के। तो जम्मू के राजा कौन, वो कमांडर जो कि सिख साम्राज्य की आर्मी को हेड कर रहे थे। पहले उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करी, एक टेरिटरी जो है वो उनको दे दी गई महाराजा द्वारा, और अब उनको उस टेरिटरी का राजा भी घोषित कर दिया महाराजा रंजीत सिंह ने। यानी कि इंपॉर्टेंस जो है वो हर गुजरते साल के साथ में महाराजा जो गुलाब सिंह है उनकी बढ़ रही थी, और आगे चलकर हम देखेंगे कैसे गुलाब सिंह से, कमांडर इन चीफ से, वो जम्मू कश्मीर के महाराजा बने और डोगरा साम्राज्य की स्थापना उन्होंने करी। दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह की ही आर्मी में एक जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने के पूरे के पूरे उस इनिशिएटिव में दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया। जम्मू रीजन में आप देखेंगे जोरावर सिंह के नाम से काफी सारे स्मृतियां जो हैं वो बनी हुई हैं। जनरल जोरावर सिंह जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के एक जनरल थे। इन 1834 जनरल जोरावर सिंह अटैक्ड लद्दाख
एंड डिफीटेड इट्स रूलर स्पाल नामग्याल। स्पाल नामग्याल जो थे कौन थे, लद्दाख के शासक थे। लद्दाख अलग शासन काल में चल रहा था, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के ही जनरल जोरावर सिंह जो थे उन्होंने लद्दाख पर हमला किया और लद्दाख को जम्मू के साथ में महाराजा रंजीत सिंह के शासन काल में जोड़ दिया, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से जनरल जोरावर सिंह जो है उनका बहुत ही ज्यादा कुख्यात नाम जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो है वो रहा था। ये चित्र, ये मानचित्र जो है, ये महाराज जनरल जोरावर सिंह का है। जनरल जोरावर सिंह अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, अ वेरी प्रोफाउंड एंड ग्लोरियस वॉरियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ही कुख्यात योद्धा जम्मू कश्मीर के रहे हैं जनरल जोरावर सिंह। In 1836 लद्दाख वॉज एनेक्स टू जम्मू किंगडम। 1836 में, 1836 में जनरल जोरावर सिंह की वजह से लद्दाख जो है वो उसको, लद्दाख साम्राज्य को जम्मू के साथ में मिला दिया गया। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रीजन बन गया जो आगे चलकर स्टेट, जब आजादी के बाद 1947 के बाद स्टेट बनने वाला था। दोस्तों क्या हुआ, सब इस तरीके से चल रहा था, साम्राज्य, सिख साम्राज्य स्थापित हो चुका था, महाराजा रंजीत सिंह जो है वो दीवानों के थ्रू जो है वो राज कर रहे थे, गुलाब सिंह जो है उनको राजा की उपाधि मिल चुकी थी, जनरल जोरावर सिंह बहुत ही अच्छे से आसपास के इलाकों में वर्चस्व जो है वो स्थापित कर रहे थे सिख साम्राज्य का, लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन चुका था। मगर 1839 इस समय क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख साम्राज्य के सबसे ज्यादा सफल शासक महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, सिख साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया। पैरेलल 1839 पैरेलल क्या चल रहा था, पैरेलल चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत साथ साथ इस दौर में चल रही थी। 1839 की बात है, 1846 में बगावत होने वाली थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 में माफ कीजिए बगावत हुई थी, यानी कि साथ साथ पैरेलली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका रूल जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था। क्यों बता रहा हूं आपको, आगे समझ आएगा। सिख एम्पायर जो है इवेंचुअली वीकेंड, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया और मौका मिला किसको, मौका मिला ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी हुकूमत को, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंग्लो सिख वॉर 1845 to 1846, 1845 से 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य को हरा करके लाहौर राजवंश पर, किसका था लाहौर राजवंश, सिख डायनेस्टी महाराजा रंजीत सिंह का शासनकाल, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अब हथिया लिया था, क्योंकि एंग्लो सिख वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजयी हुई थी। जब सिख साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया तो दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख वो भी सिख साम्राज्य का ही हिस्सा था। जब पूरा का पूरा सिख साम्राज्य चला गया तो जम्मू कश्मीर लद्दाख किसके अधीन आ गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख जे एंड के हैंस बिकेम द पार्ट ऑफ लाहौर डायनेस्टी एंड इट केम अंडर द ब्रिटिश रूल। जम्मू कश्मीर अब अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आ चुका था। कब हुआ था ये, 1846 में एंग्लो सिख वॉर के दौरान। दोस्तों इस एंग्लो सिख वॉर के बाद क्या हुआ, इतना हमें समझ आ गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कंट्रोल आ चुका था जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर जो है बिकेम द डोमिनियन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उस पर शासन कर रही थी। लेकिन किन्हीं रीजंस के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू रिटेन जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जम्मू कश्मीर को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, विच इवेंचुअली लेड टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, अमृतसर की संधि 1846। दोस्तों इसी के इसी दौरान ट्रीटी ऑफ लाहौर भी हुई थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ लाहौर और अमृतसर सेम टाइम पे हुई थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ डील करती है। 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर जम्मू कश्मीर एंड दिस फिगर यू आर सीइंग हियर, ये जो मानचित्र आप यहां पर देख रहे हैं ये है गुलाब सिंह। क्या था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अंडर दिस ट्रीटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू सेल जम्मू एंड कश्मीर टू गुलाब सिंह। मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
एंग्लो सिख वॉर करी और लाहौर डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया, जम्मू कश्मीर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड नहीं थी जम्मू कश्मीर को अपने पास रखने में, और उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि के तहत जम्मू कश्मीर को बेच दिया किसको, गुलाब सिंह को। कौन गुलाब सिंह? जो पहले महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के कमांडर थे, बाद में राजा ऑफ जम्मू कहलाए, अब उन्होंने गुलाब सिंह पेड 75 लाख रुपीज एज वॉर इंडेमनिटी टू ब्रिटिश एंड बिकेम द महाराजा ऑफ J&K। गुलाब सिंह इवेंचुअली अप्रोच वही थी, पहले आर्मी में आए फिर राजा कहलाए, अब जब अमृतसर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ ना रख के उसको बेचने की कोशिश करी, तो गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीज में जम्मू कश्मीर लद्दाख का पूरा रीजन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया, और उसी के साथ जम्मू कश्मीर में स्थापना हुई किसकी, द माइटी द ग्रेट डोगरा डायनेस्टी, द ग्रेट डोगरा साम्राज्य। चार प्रसिद्ध कुख्यात राजा हुए डोगरा साम्राज्य के जम्मू कश्मीर में, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये पूरी की पूरी डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर इसके बाद हम कश्मीर का इतिहास जो है वो देखेंगे, फिर इन दोनों को पैरेलल। जम्मू का इतिहास हमने देख लिया किस तरीके से रामायण काल के समय से हम 1846 तक जम्मू के अंदर बदलाव आए, इसी तरीके से हम प्राचीन एंशियंट टाइम से कश्मीर का इतिहास उठा करके उसको हम डोगरा डायनेस्टी तक लाएंगे, और उसके बाद पैरेलल जम्मू और कश्मीर का इतिहास एक साथ चलेगा। तो दोस्तों डोगरा डायनेस्टी के बारे में एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि के साथ ही डोगरा साम्राज्य की शुरुआत हुई। महाराजा गुलाब सिंह, गुलाब सिंह अभी तक जो राजा थे अब वो महाराजा बन चुके थे, बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1846 to 1857। 1846 से 1857 महाराजा गुलाब सिंह के सुपुत्र महाराजा रणबीर सिंह 1857 से 1885 तक महाराजा रणबीर सिंह रहे। महाराजा रणबीर सिंह के सुपुत्र महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925 तक इन्होंने जम्मू कश्मीर पर शासन किया, और महाराजा हरि सिंह महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे जो हैं उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया गया, और 1925 से 1947 तक महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने शासन किया। 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, बहुत सारे बदलाव होने वाले थे इस 1947 साल में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो बदलने वाला था। इसी के चलते बहुत सारे चेंजेस जो है वो आने वाले थे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे पहले, हम इसके बाद पढ़ेंगे कश्मीर का इतिहास, और कश्मीर के इतिहास को प्राचीन काल से लेकर के हम 1846 से 1947 तक लेकर के आएंगे, और डोगरा साम्राज्य से फिर हम आगे के जम्मू कश्मीर की बात जो है वो करेंगे। जब हमने इन हिस्ट्री को स्टार्ट करा था तो एक ओवरव्यू मैंने आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री का दिया था, आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। वहां मैंने आपको बताया था किस तरीके से डोगरा साम्राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित हुआ था। इंडिविजुअल लेवल पर हमने जम्मू और कश्मीर दोनों ही प्रांतों में पूरी सक्सेसिव इवेंट्स जो है वो देखे, एक के बाद एक किस तरीके से राजवंश जो है वंश जो है वो बदल रहे थे, नई नई डायनेस्टीज जो है वो आ रही थी। फाइनली हम लोग जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से निकल करके 1846 में पहुंचे थे, और डोगरा साम्राज्य की स्थापना जो है हो चुकी थी। महाराजा गुलाब सिंह जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ में ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और डोगरा साम्राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित हो चुका। चार प्रमुख शासक जो है डोगरा साम्राज्य में हुए, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा हरि सिंह, इनके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं महाराजा गुलाब सिंह के बारे में। महाराजा गुलाब सिंह वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1792। 21 अक्टूबर 1792 को जन्म हुआ महाराजा गुलाब सिंह का। ही स्टार्टेड हिज करियर एज द पार्ट ऑफ
आर्मी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना के साथ जुड़ करके उन्होंने जो है वो अपने करियर की शुरुआत करी। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था जब हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जम्मू की हिस्ट्री हमने सेपरेटली पढ़ी, तो मैंने आपसे बात करी थी कि महाराजा रणजीत सिंह का जो शासनकाल है, पहले मुगल शासनकाल था जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर प्राइमरीली, तो कश्मीर के ऊपर मुगल शासनकाल के बाद अफगान्स आए और अफगान्स की क्रूरता से बचने के लिए कश्मीर के दो युवक जो है वो जाकर के महाराजा रणजीत सिंह से मिले थे और महाराजा रणजीत सिंह से उन्होंने कहा था कि आप कश्मीर पर जो है वो कब्जा कर लीजिए। उस समय महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में एक शख्स जो है वो शामिल हुए थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में शामिल थे। ही प्रूव्ड हिज वर्थ इन इननम्यूमरेबल बैटल्स फॉट अंडर महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के अधीन उनकी आर्मी का हिस्सा रहते हुए अनगिनत लड़ाइयों में अपनी योग्यता जो है वो साबित करी। हम आगे चल करके देखेंगे कि भैया किस तरीके से, जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो है वो गुलाब सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह के बन चुके थे, वो स्थान वो स्थिति हासिल करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा बहुत सारे युद्धों में जो है असैन्य वीरता का प्रदर्शन किया था और अपनी योग्यता जो है वो साबित करी थी। दोस्तों जब ऐसा कंसिस्टेंटली कोई ऐसा वॉरियर किसी भी राजा की आर्मी में रहता है तो जाहिर सी बात है कि राजा जो है वो उसको थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि रिवॉर्ड देने की कोशिश करता है उस बहादुरी के लिए जो है, उन्हें थोड़ा सा पुरस्कृत राजा द्वारा किया जाता है। ये बहुत समय से प्रथा जो है वो चलती आ रही है। जब गुलाब सिंह ने बार बार महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी के अंदर रहते हुए काफी सारे युद्धों में जो है वो वीरता के प्रदर्शन किए, इस चीज से खुश होकर ही वॉज मेड द राजा ऑफ जम्मू बाय महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह ने एक टाइटल, एक उपाधि उनको दे दी, कहा कि गुलाब सिंह जो है वो इस जम्मू के राजा है। यानी कि जम्मू के अंदर जो शासन काल महाराजा रणजीत सिंह का था, लेकिन देखरेख जो थी वो गुलाब सिंह की जी की जो है वो वहां पे शुरू हो गई। कब ये शुरू हुई भैया? 1822 में। उसके बाद जैसे ही वो राजा बने, ही एडेड किश्तवाड़ टू हिज रेन, तो उन्होंने अपने शासन काल में जम्मू कश्मीर का ही एक इलाका किश्तवाड़ जो है उसको शामिल कर लिया। यानी कि पहले भी वो काफी ज्यादा वीरता अपनी जो है वो साबित करते रहे हैं, जैसे उन्हें राजा बनाया गया उसके बाद भी उन्होंने आसपास के जो इलाके थे उसको सिख साम्राज्य के अंदर जोड़ना शुरू किया। राजा गुलाब सिंह थ्रू हिज ब्रेव कमांडर जनरल जोरावर सिंह, दोस्तों आपको याद होगा हमने जब कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको जम्मू और कश्मीर की सेपरेट हिस्ट्री में जनरल जोरावर सिंह का जो जिक्र है वो मैंने किया था। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू कभी आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो जनरल जोरावर सिंह के नाम पे मिलेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम्स इन जम्मू जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम इनके नाम पर है, जनरल जोरावर सिंह चौक है। तो काफी ज्यादा बड़ी भूमिका जो है वो जनरल जोरावर सिंह की रही है। जनरल जोरावर सिंह जो थे वो महाराजा गुलाब सिंह जब जम्मू के राजा बना दिए गए थे 1822 में, उस समय उनकी आर्मी का हिस्सा थे। दोस्तों गुलाब सिंह इनिशियली वाज द पार्ट ऑफ द आर्मी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, एंड व्हेन महाराजा रणजीत सिंह गेव द टाइटल ऑफ राजा ऑफ जम्मू टू गुलाब सिंह, अंडर गुलाब सिंह आर्मी देयर वाज अ जनरल कॉल्ड जोरावर सिंह कहलूरिया, अ वेरी ब्रेव जनरल जिन्होंने लद्दाख का पूरा इलाका है उस पर विजय प्राप्त की थी। ही वॉन द एरिया ऑफ लद्दाख, ही कॉन्कर्ड द एरिया ऑफ लद्दाख एंड मेड इट द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मेड इट द पार्ट ऑफ द रेन ऑफ गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1846 एंड बिकेम द रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो जो हमारे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने देखा कि सिख साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ चुका है, तो उन्हें लगा कि ये भैया सही समय है सिख साम्राज्य पे विजय प्राप्त करने का। उन्होंने हमला जो है वो सिख साम्राज्य के ऊपर कर दिया। ऐसे में जो वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव जनरल्स माने जाते थे महाराजा रणजीत सिंह आर्मी के, वो थे राजा गुलाब सिंह। तो राजा गुलाब सिंह पहले ही एक एग्रीमेंट जो है वो कर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने उस अटैक में, उस एंग्लो सिख वॉर में, जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनकी आर्मीज के बीच में हुई थी, तो गुलाब सिंह जो है उसका हिस्सा नहीं बने। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया। यह सीधी सी बात है, जब आपका दुश्मन जो है वो अटैक करता है, एज आर्मी जनरल आपका काम है उसको डिफेंड करना, लेकिन आप उस समय युद्ध से अलग हो जाते हैं कि भैया मैं युद्ध का हिस्सा नहीं बनूंगा, कहीं ना कहीं जो है वो आप इनडायरेक्टली अपने दुश्मन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, गुलाब सिंह जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया
कंपनी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया युद्ध ना लड़के, और उनके इस काम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उन्हें रिवॉर्ड किया, जिसके अंतर्गत ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि जो है 1846 में हस्ताक्षर इसके ऊपर हुए थे, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो 75 लाख रुपए 75 लाख नानक शाही रुपीज, उस समय महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में जो करेंसी थी वो नानक शाही रुपीज में चलती थी, तो 75 लाख नानक शाही रुपीज जो है वो गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जम्मू कश्मीर को उन्होंने खरीद लिया था और वो जम्मू कश्मीर के राजा बन गए थे। ही बिकेम द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विद दिस बिगेन दी डोगरा डायनेस्टी इन जेएंडके। जिस डोगरा डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं तो उस डोगरा डायनेस्टी को स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका जो है वो गुलाब सिंह की कहलाई। गुलाब सिंह जो है वो महाराजा गुलाब सिंह बने, कुछ इस प्रकार के महाराजा गुलाब सिंह जो है वो दिखते थे। 1846 से लेकर के 1856 तक इन्होंने शासनकाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया, और डोगरा साम्राज्य के सबसे पहले राजा जो है वो थे महाराजा गुलाब सिंह। दोस्तों महाराजा गुलाब सिंह के बाद आए महाराजा रणबीर सिंह, चार रूलर्स हैं जिन्होंने डोगरा डायनेस्टी में रूल किया है, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। चलिए दोस्तों महाराजा रणबीर सिंह के बारे में बात करते हैं। रणबीर सिंह वॉज द सन ऑफ गुलाब सिंह, तो महाराजा रणबीर सिंह जो थे वो महाराजा गुलाब सिंह के सुपुत्र थे, जो कि गुलाब सिंह कौन थे, द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, डोगरा डायनेस्टी के संस्थापक, जम्मू कश्मीर को एक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले गुलाब सिंह के सुपुत्र महाराजा रणबीर सिंह। रणबीर सिंह एसेंडेड द थ्रोन इन 1856, 1856 में, मैंने आपको पीछे बताया 1846 से लेकर के 1856, 10 साल के कार्यकाल के लिए जो है वो महाराजा गुलाब सिंह जो है वो राजा रहे। आफ्टर गुलाब सिंह एबडिक्शन ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, तो गुलाब सिंह ने अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण सिंहासन जो है त्याग दिया। उन्होंने कहा कि भैया आप स्वास्थ्य मेरा जो है वो बिगड़ रहा है, तो मैं इस शासन को, इस सिंहासन को नहीं संभाल पाऊंगा, तो उन्होंने उसको त्याग दिया और उनके सुपुत्र रणबीर सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के राजा बन गए। दोस्तों 1856 में वो राजा बने और 1857 में, 1857 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की बगावत, सिपाही म्यूटिनी जिसे कहा गया था, तो 1857 की सिपाही म्यूटिनी हुई। दोस्तों याद रहे साम्राज्य डोगरा कैसे स्थापित हुआ था, गुलाब सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के एग्रीमेंट किया था, यानी कि सीधा सीधा दर्शाता है कि भैया डोगरा साम्राज्य के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत के जो रिलेशंस थे वो काफी बेहतरीन थे। इसी के चलते दोस्तों जब 1857 में, 1856 में रणबीर सिंह जो है वो राजा बने, जैसे ही 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, रणबीर सिंह अलाइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी, तो उन्होंने भैया ब्रिटिश साम्राज्य का साथ जो है वो दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में 1846 से ही अच्छे चलते हुए आ रहे थे डोगरा शासकों के। He went on to annex Gilgit, which had previously witnessed rebellion against the state. Gilgit का वो इलाका जिसने पहले जम्मू कश्मीर राज्य के खिलाफ विद्रोह हुआ था, वहां पे विद्रोह का गवाह बना था वो इलाका, उस गिलगिट पर रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह ने जो है वो कब्जा कर लिया। He also established modern judicial system. उन्होंने आधुनिक न्यायिक प्रणाली जो है वो स्थापित करी थी। दोस्तों काफी समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर रणबीर पेनल कोड जो है वो लगता रहा, जिस तरीके से आईपीसी इंडियन पेनल कोड या सीआरपीसी की धाराएं लगती है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेसिफिक रणबीर पेनल कोड जो है वो लागू होता था, क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह ने जो है ये मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो है वो स्थापित किया था। He also established the town of Ranbir Singhpura, presently known as Araspura. तो भैया जम्मू के बिल्कुल नजदीक में एक इलाका पड़ता है रणबीर सिंहपुरा, आरएसपुरा के नाम से उसे जाना जाता है। तो दोस्तों वो रणबीर सिंहपुरा जो है वो महाराजा रणबीर सिंह ने उस कस्बे को, उस शहर को जो है वो बसाया था। आज भी वो शहर जो है दोस्तों वहां के सबसे एक अदर देन हिस्ट्री में आपको बात बता देता हूँ, रणबीर सिंहपुरा या आरएसपुरा के जो चावल है, द राइस ग्रोन इन आरएसपुरा आर इवन एक्सपोर्टेड, तो विदेशों तक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं आरएसपुरा के जो राइस है, वर्ल्ड फेमस राइस जो है वो जम्मू के आरएसपुरा इलाके में, रणबीर सिंहपुरा इलाके में जो है वो उगते हैं। तो ये रणबीर सिंहपुरा टाउन जो है ये महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर ही बनाया गया था, आरएसपुरा के नाम से इसे आज जाना जाता है। कुछ इस प्रकार के दिखते थे महाराजा रणबीर सिंह 1856 से लेकर के 1885 तक जो है इन्होंने अपना शासनकाल जो है वो किया था, यानी करीब करीब जो है
तीस साल के करीब इन्होंने जो है वो अपना 29 से 30 साल का शासनकाल जो है महाराजा रणवीर सिंह का रहा था। महाराजा रणवीर सिंह के बाद राजा बने महाराजा प्रताप सिंह। He ascended the throne in 1885, 1885 में वो राजा बने। He was the son of महाराजा रणबीर सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह के सुपुत्र थे। महाराजा रणबीर सिंह कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह के सुपुत्र थे। During his reign, a British resident was appointed to advise महाराजा on important matters। तो भैया महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में एक ब्रिटिश निवासी को जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण मसलों पर, मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो महाराजा प्रताप सिंह के समय में अपॉइंट किए गए थे ताकि वो कोई भी इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है वो दे सके अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो जम्मू कश्मीर के संबंध में आता है। इस तरीके से सवाल जो है वो फ्री के अंदर पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग विच ऑफ द डोगरा रूलर्स अ ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज अपॉइंटेड टू एडवाइज महाराजा। तो याद रखना है महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जो है एक ब्रिटिश ऑफिशियल को एडवाइस करने के लिए अपॉइंट किया गया था। He built जेलम वैली रोड, तो जेलम घाटी की जो सड़क है उन्होंने बनाई थी। He completed बनिहाल काट रोड, तो बनिहाल काट रोड जो है उनको इन्हें कंप्लीट किया था। He constructed a bridge on Tavi River and Jammu was linked with railway line to Sialkot। Sialkot जो आज पाकिस्तान में है उसको जो है वो जम्मू के साथ रेल निर्माण, रेलवे लाइन के साथ जोड़ने का काम जो है वो महाराजा रणवीर सिंह ने किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा हुई महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में। सड़कें बनी, पुल बने, रेलवे लाइन बिछाई गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा रहा है महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। He also dug two canals, रणबीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल। तो उन्होंने अपने और अपने पिता के नाम पर, अपने पिता रणबीर सिंह के नाम पर और अपने नाम पर दो कैनाल, दो नहरें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खुदवाई थी। आज भी जो है रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। ड्यूरिंग हिज रेन द स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा। तो भैया मोहरा के अंदर बारामूला के पास, बारामूला से जब उड़ी की तरफ जाते हैं तो वहां पर मोहरा करके एक जिला आती है जहां पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री के अनुसार द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। अगर जगह पूछी होगी तो भैया जगह मोहरा है, और अगर राजा पूछे होंगे किस राजा अंडर हुज रूल द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो भैया राजा का नाम है महाराजा प्रताप सिंह। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब भी बात होगी दोस्तों याद रखिएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ड्यूरिंग हूज रेन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग डोगरा डायनेस्टी वॉज इन पीक। तो भैया किस राजा के शासनकाल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका जो आना था वो काफी ज्यादा पीक पर था। इस तरीके का अगर सवाल आता है तो याद रखना है महाराजा प्रताप सिंह, क्योंकि भैया हमने देखा उन्होंने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, रेलवे लाइन बिछाई, नहरें जो है वो खुदवाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया, तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जो हुई। और द सिटीज ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटीज वर ऑल्सो फॉर्म्ड, जिन्हें आज नगर पालिका या नगर परिषद के नाम से जाना जाता है। जम्मू म्युनिसिपैलिटी है, श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी है, तो ये म्युनिसिपैलिटीज, ये नगर समितियां, नगर पालिकाएं जो है ये भी महाराजा प्रताप सिंह ने अपने शासनकाल में जो है वो इनका गठन करा था। कुछ इस तरीके के दिखते थे महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेकर के 1925 तक, यानी के करीब करीब 40 वर्ष का इनका शासनकाल रहा था महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेकर के 1925 तक। दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के बाद आए महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के बारे में बात करते हैं। He ascended the throne in 1925. He was the nephew of महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे। दोस्तों अभी तक जो हमने शासनकाल देखे उसमें गुलाब सिंह के सुपुत्र थे रणबीर सिंह, रणबीर सिंह के सुपुत्र थे प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के भतीजे महाराजा गुलाब सिंह जो है 1925 में राजा बने। ही मेड मेनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट लाइक मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी। अब यहां पर प्राथमिक शिक्षा की बात जो है वो होने लगी थी। दोस्तों समझ रहे हैं किस तरीके से आधुनिकीकरण जो है वो हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महाराजा प्रताप सिंह के दौरान हुआ। अब जो है शिक्षा पे जोर दिया जाने लगा। इंट्रोड्यूस्ड लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर रोक लगाने वाले वो कानून लेकर के आए। एंड ओपन्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर द लोअर कास्ट, जो जिन्हें निम्न जातियां या नीच जातियां समझा जाता था उनके लिए जो पूजा स्थल है वो खोल दिए गए। तो सोशल चेंजेस जो है वो आना शुरू हो गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया था, सोशल चेंजेस आ रहे थे, यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो है वॉज हेडिंग टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की ओर जम्मू कश्मीर जो है वो बढ़ रहा था।
He set up the first legislature of Jammu and Kashmir in 1934. Important है जम्मू कश्मीर की पहली विधायिका का जो गठन है वो महाराजा हरि सिंह ने किया था. एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है who was the first ruler to set legislature in Jammu and Kashmir. तो भैया याद रखना है महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 1934 में 1934 में legislature जो है वो बनाया. The legislature consisted of council comprising of prime minister and ministers appointed by him and the assembly comprising of 75 members known as Praja Sabha. दोस्तों आज जिसे विधान सभा कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसी के तर्ज पर कुछ ऐसा ही बनाया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा लेजिस्लेचर जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते थे और कुछ मिनिस्टर्स होते थे जो प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपॉइंट करते थे और इस असेंबली में 75 मेंबर्स जो है वो थे प्रजा सभा. याद रखिएगा प्रजा सभा इस तरीके से सवाल अगर आता है द टर्म प्रजा सभा वॉज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉट इज इट क्या है प्रजा सभा. तो भैया महाराजा हरि सिंह ने जो लेजिस्लेचर बनाया था उसके अंदर 75 मेंबर्स और एक प्रधानमंत्री एक प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी थी उससे जो है वो प्रजा सभा के नाम से जाना जाता था. इक्विवेलेंट टुडे मॉडर्न टाइम्स में इसे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जो है उस रूप में समझा जा सकता है. तो उस समय की विधानसभा जो है वो प्रजा सभा थी जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर थे और 75 मेंबर्स जो है वो थे. इस तरीके के दिखते थे महाराजा हरि सिंह 1925 से लेकर के 1952 तक इनका जो है वो शासन काल रहा. एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग डोगरा रूल डोगरा शासन के दौरान प्रशासन कैसा था. ड्यूरिंग द डोगरा रूल जम्मू प्रोविंस कवर्ड द एंटायर टेरिटरी फ्रॉम द रिवर रावी टू जेलम लाइंग साउथ ऑफ पीर पंजाब. तो भैया जी रावी से शुरू होकर के जेलम नदी तक अगर आप ज्योग्राफिकली जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है वो रावी रिवर जो है वो आपको दिखेगा पंजाब के पास में. वहां से लेकर के पीर पंजाब की पहाड़ियों तक सतलुज रेंज तक जो इलाका था वो पूरा का पूरा जम्मू प्रोविंस था. इट इंक्लूडेड द होल ऑफ डुग्गर रीजन. डुग्गर दोस्तों डोगरा साम्राज्य डोगरी भाषा बोलने वाले लोग विद मीरपुर एरिया ऑफ वेस्टर्न पंजाबी स्पीकिंग पीपल. तो डोगरी भाषा डुग्गर भाषा बोलने वाले लोग जो है उनका इलाका और आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो मीरपुर का इलाका है जहां पर कहीं ना कहीं वेस्टर्न पंजाबी जो है वो बोली जाती थी पश्चिमी पंजाबी बोली जाती थी वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो जम्मू साम्राज्य के अंदर जम्मू संभाग के अंदर जो है वो आता था. कश्मीर प्रोविंस इंक्लूडेड द होल ऑफ कश्मीर वैली एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फराबाद. द वैली वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड बारामूला. तो भैया कश्मीर जम्मू प्रोविंस जो है वो हमने देखा कि रावी नदी से लेकर के पीर पंजाल की पहाड़ियों के पास सतलुज नदी तक का जो इलाका था वो पूरा का पूरा जम्मू था और पूरी की पूरी कश्मीर घाटी मुजफ्फराबाद तक जो है वो कश्मीर प्रोविंस के अंदर आती थी. पूरी की पूरी घाटी जो है उसको दो जिलों में विभाजित किया गया था. दो जिले कौन से थे अनंतनाग और बारामूला. तो दोस्तों इस तरीके से जम्मू और कश्मीर जो है वो यहाँ पे रूल किया जाता था. श्रीनगर वॉज मेड द समर कैपिटल ऑफ द स्टेट अंटिल देन विच वॉज गवर्न बाय जम्मू. तो इसी दौरान जो है श्रीनगर को समर कैपिटल जो है वो बना दिया गया. आज भी ये प्रथा जो है वो चलती आ रही है. समर कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर की वो श्रीनगर है विंटर कैपिटल जो है वो जम्मू है. तो ये दो कैपिटल जो है ये बनाई गई थी. द फ्रंटियर रीजन ऑफ लद्दाख वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ थानेदार. सुना होगा आपने टर्म थानेदार या थानेदार. तो भैया जो लद्दाख का इलाका था लद्दाख का सीमांत क्षेत्र था जो कि तिब्बत के साथ में जो बॉर्डर टच करता था वहां पर थानेदार जो है उनको इंचार्ज बना दिया गया था. सेवरल एफिशिएंट एंड कैपिटल कैपेबल थानेदार लाइक मागना मेहता बस्तीराम एंड मेहता मंगल गेव मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टू लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम. तो भैया थानेदार जो है वो लद्दाख के अंदर जो है वो प्रशासन जो है वो प्रदान करते थे. काफी सारे इंपॉर्टेंट थानेदार हुए कैपेबल सक्षम थानेदार जो है वो हुए जिनपे नाम था मेहता बस्तीराम का मेहता मंगल का. तो इस तरीके के थानेदारों ने जो है वो लद्दाख पे अपना प्रशासन जो है वो चलाया. द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कंटिन्यूड राइट अंटिल द एंड ऑफ डोगरा रूल इन 1947 टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस. दोस्तों ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था जो प्रशासनिक प्रणाली थी ये 1846 से शुरू होकर के कब तक चली 1947 तक. 1947 में क्या हुआ दोस्तों आप जानते हो 1947 में हिंदुस्तान जो है वो आजाद हुआ था जिसके साथ जम्मू कश्मीर जो है कुछ समय में ही या हिंदुस्तान की आजादी के कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर जो है वो इंडियन यूनियन भारतीय संघ का एक राज्य जो है वो बन गया. हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है थोड़ी सी बात यहां भी कर लेते हैं. एमर्जेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड डिवाइडेड इनटू टू
इंडिपेंडेंट कंट्रीज नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदुस्तान को आजादी जो है वो मिल चुकी थी 1947 में, और दो देशों में उस पूरे के पूरे इलाके को विभाजित कर दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल थी, भैया उनको ये ऑप्शन दिया गया कि भैया जहां हिंदुस्तान के साथ रहिए या पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या एक इंडिपेंडेंट रियासत, एक स्वतंत्र रियासत के रूप में आप रह सकते हैं। महाराजा हरि सिंह ने, मैं आपको पहले भी ये काफी बार बता चुका हूं, महाराजा हरि सिंह ने कहा कि भैया नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट रहने का जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने फैसला किया, पाकिस्तान की ओर से जो काबिली हमला था, ट्राइबल अटैक था, वो कश्मीर के ऊपर कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ड्यू टू दिस एक्सेशन पाकिस्तानी ट्रूप्स कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द स्टेट एंड महाराजा हरि सिंह टुक रिफ्यूज इन इंडिया। पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने अधिकांश राज्य को जो है वो कंट्रोल में अपने ले लिया था, जिस वजह से महाराजा हरि सिंह को जो है वो भारत के साथ में मदद के, भारत के पास मदद के लिए जाना पड़ा। अल्टीमेटली दोस्तों, ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, महाराजा इंडिया के पास गए, उनसे कहा कि भैया जम्मू कश्मीर में अटैक हो चुका है, इसको हमको बचाइए इस अटैक से, जिसके बदले में महाराजा हरि सिंह ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान के हमले से बचाइए, बदले में हम जम्मू कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान में शामिल कर देंगे। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ, विलय की संधि जो है वो साइन हुई, और जिसी के साथ भारत ने अपनी सेनाएं जो है वो कश्मीर के अंदर भेजी, पाकिस्तान के उस काबिली हमले को विफल कर दिया गया, और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुए, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। दोस्तों, इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट पीरियड्स, हमने शुरुआत करी थी रामायण काल से, भगवान राम के सुपुत्र कुश के वंशज आकर के हिमाचल के कांगड़ा से होते हुए प्रेजेंट डे कठुआ जिले के परोल इलाके में आए थे, तो रामायण काल से लेकर के 1947 तक इतिहास जो है वो हमने पूरा का पूरा समझ लिया। तो दोस्तों, यहां तक है हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं वो हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के साथ में। हमारा जो हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है जम्मू कश्मीर का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट जो है वो हो जाएगा।